सत्यम लाइव हो गया हम एक बार ही देखना यार। मैं तो यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आई तो है नहीं। आप देखिए। ओके परफेक्ट। ओके आने दो लोगों को, आलेन दो थोड़ा सा। वेटिंग इज ओवर। HS म्यूजिक एम्बियंट अनिल दीपांशु चमोली। हाय हाय गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। ओके तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सारा कुछ। ओके लोगों को जुड़ने देते हैं थोड़ा सा, है ना सत्यम। तब बिल्कुल तक एक बार ही ना मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाके बोल देता हूँ, जो लोग हमें देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। KJS म्यूजिक सत्यम, आप तब तक कुछ कमेंट्स ले सकते हो। एक सेकेंड, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। जरूर हाय गाइस, भैया डी कंस्ट्रक्शन वीडियो कब डालोगे सम्राट? बहुत जल्दी भाई, बस आज शाम को, आज शाम या कल। ओके व्हेन विल वी गेट टू सी गौरव दयाल सर ऑन दिस लाइव सेशन? नेक्स्ट नेक्स्ट या इससे नेक्स्ट से नेक्स्ट, बहुत जल्दी। नेक्स्ट सेशन हम करेंगे हिप हॉप पे, ओल्ड स्कूल हिप हॉप। सत्यम आपकी ना शायद लैपटॉप या फोन की आवाज आ रही है, उसको कम कर हाँ दो। हाँ हाँ कर दिए मैंने, म्यूट ओके कर दिया ओके इनफैक्ट मैंने। हाय गाइस, जो लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि हम लोग यूट्यूब बीट फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे, बीट फैक्ट्री एकेडमी, वहां पे लाइव हैं। और आज हमारा सेशन है सत्यम के साथ, विच इज ही इज वन ऑफ आर इंस्ट्रक्टर्स एट बीट फैक्ट्री दिल्ली, वेरी प्रिसीन इंस्ट्रक्टर। तो जो लोग आज ये सेशन एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज यूट्यूब पे स्ट्रीम करिए और वहां पे आ जाइए। ओके गाइस, सी यू देयर इन वीडियो। ओके सॉर्टेड, लाइक लॉट ऑफ सॉर्टेड। पीपल आर हियर नाउ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे मिक्स और मास्टर सीखना है। बिल्कुल, आई लव यू भाई, आई लव यू टू ब्रो। तो सत्यम, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए आप प्लीज अपना। ओके तो हाय हाय गाइस, आई एम सत्यम। आई एम ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर एंड इंस्ट्रक्टर एज वेल। आई लिव इन ग्रेट नोएडा व्हिच इज NCR, एंड या आई बीन मेकिंग म्यूजिक फॉर अ व्हाइल नाउ। इट हैज बीन लाइक फोर ऑलमोस्ट 5 years professionally making music, but काफी सालों से मैं I've been like dreaming of becoming what I am today in terms of like being a producer. I always wanted to make my own music. I always wanted to explore what I wanted to, I wanted to explore a lot of music and wanted to get inspired from it. That's what I'm doing, that's what I wanted to do before. And Okay. at the same time, I engineer for a lot of people, either like mixing or mastering, and I really love it and something that I Okay. really admire. And I've been Okay. constantly training myself and teaching other people around me whatever I've learned to like improve further and further. So yeah, that's what I am, that's what I do. I have like other hobbies as well, creating websites and designing content. Yeah, I तो like to मतलब make videos on that. Yeah, सारा सारा कुछ कुछ कर ही रहे है, हो, सारा कुछ क्रिएटिव कुछ कर ही रहे हो है। सारा कुछ, राइट? हाँ, काफी कुछ क्रिएटिव तो कर रहा हूँ तो उसमें। इससे लोगों को मेरे ख्याल सीखने को भी मिलता है कि सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस करना ही सब कुछ नहीं है। म्यूजिक प्रोड्यूस करो लेकिन आपको अपने स्किल्स भी साथ साथ इम्प्रूव करने चाहिए, राइट? आई मीन म्यूजिक प्रोड्यूसर, एक एक सक्सेसफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर वो है जो मिक्स खुद कर पाए अपने म्यूजिक को, ठीक है? राइट क्यों? राइट क्योंकि जब मैं भी ये हम भी ये सिखाते हैं दिल्ली दिल्ली ब्रांच में या फिर बाकी सब बीट फैक्ट्री में, कि जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं तब हम उसको सारे साइड बाय साइड मिक्स करते हुए चले। वी नो हाउ इट शुड साउंड व्हेन द मिक्स इज डन। सो जब हम
ऐसे थोड़ा ना कि पूरा म्यूजिक बना के फिर एंड में हम मिक्सिंग करने बैठ रहे हैं, फिर वापस उन चीजों के पास फिर से जाएंगे हम लोग, तो दैट्स लाइक बहुत बहुत टाइम लग जाता है उसमें। और वो हाँ, या फिर बंदा सोचता रहता है कि यार अब मैंने गाना बना लिया, अब ना मिक्स करवा लूंगा तो जबरदस्त चीज बन जाएगी। हाँ, और वो कई बारी ऐसे होता है कि आप मिक्स करने के बाद कुछ और ही बन जाता है, डमी ज्यादा अच्छी साउंड कर रही होती है। बिल्कुल, आई मीन वो लेवल्स का पंगा है, तो काफी लोगों को ये नहीं पता कि इनपुट और आउटपुट लेवल्स का गेन स्टेजिंग कैसी करी जाती है। वॉल्यूम से ही आपके बेस और हाई एंड में ही डिफरेंस आ जाता है। राइट राइट, अगर आप राइट, अपने स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा लेंगे नॉर्मली, अपने कार कार का भी स्पीकर आपका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो आपको पता लगता है कि हाँ भाई बेस बढ़ गया, बेस बढ़ गई। हाँ, और अगर आप वॉल्यूम हम कम कर लेंगे तो आप बेस घट जाएगा और हाई एंड और मिड एकदम से सुनाई देने लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये लेवलिंग का पंगा है, लोग इसी को समझ नहीं पाते और वो EQ करना पहले स्टार्ट कर देते हैं। EQ करना स्टार्ट कर देते हैं या सैचुरेट, या जैसे कि कंप्रेस कर दो भाई, कंप्रेसर से बढ़ जाएगी आवाज, वो वहां पे लोग चीज। एग्जैक्टली, तो ये पहला स्टेप अगर आपने छोड़ दिया और आप बाकी करते रह गए तो योर मिक्स वुड नॉट साउंड डायनेमिक और आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ गलती हो रही है। तो वो हम ख्याल रखते हैं जब हम पढ़ा रहे हो ना, कि लोगों को बताना है कि इनपुट और आउटपुट लेवल क्या होता है डॉ के अंदर ही। ऐसा नहीं इनपुट आउटपुट लेवल है कि मेरा आउटपुट लेवल हो गया मेरा मॉनिटर का नॉब, ऐसा नहीं है कि इनपुट और आउटपुट लेवल्स डॉ के अंदर ही होते हैं। अभी मैं जब आपको प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो वो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम स्टार्टिंग जब बीट्स बना रहे हैं या फिर बेस बना रहे हैं, हाउ वी आर लेवलिंग थिंग्स टुगेदर, और हम जानबूझ के इनकी लेवल नहीं बढ़ा रहे स्टार्टिंग से ही, कि हमें तो वही लाउड म्यूजिक चाहिए, लाउड म्यूजिक चाहिए। हाँ, बस तो लाउड म्यूजिक को सुनने के लिए भी तरीके हैं फिर उसके। ओके ओके, तो सत्यम आप म्यूजिक तो आपने मेरे को अपना बता दिया, लेकिन आप मतलब इससे पहले क्या करते थे, कि बचपन से ही म्यूजिक में थे? नहीं, बचपन से म्यूजिक में नहीं था, लाइक जैसे कि काफी लोगों की जर्नी रहती है इंडिया में टू दैट दे बिकम एन इंजीनियर देन बिकमिंग समवन एल्स। आई डिड माय कंप्यूटर साइंस एंड लाइक एवरी पेरेंट्स माय पेरेंट्स वांटेड मी टू हैव अ स्टेबल सेट ऑफ लाइफ, इफ यू नो दे ऑलवेज इमेजिन कि म्यूजिशियन तो भाई सड़क पे आ जाता है, यू नो म्यूजिक म्यूजिशियन तो करीब हो जाता है, लाइक they expected, you know, they always expect you to be like अपने पैरों पे खड़ा हो जाए kind of thing, right? So they wanted me to complete this computer science degree which I wanted, which I kind of like was interested in because I was always interested in computers. Okay. And before that, yeah, I mean, while all that was happening, since my childhood, I started like with playing keyboards. My mother gave me a keyboard. That's where it actually started, that I started comprehending melodies, कि हाँ भाई कोई भी गाना है और उसमें प्ले कर सकता हूँ उस गाने को, तो that's like a fascinating thing because ये sorry I'm cutting you, यहाँ पे किसी का question भी आया था कि आप हमें melodies कैसे बनाएं, तो I guess उसी चीज का आपने answer भी दिया कि आप गाने के साथ साथ अगर कुछ प्ले कर पा रहे हैं या रिलेट कर पा रहे हैं अपनी वोकल को या इंस्ट्रूमेंट को, तो वहीं से आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ऐसा सा कुछ ऐसे कर सकता हूँ, या एक स्केल डाउन कर दिया तो आप नई मेलेडी बना सकते हो, राइट? एग्जैक्टली, आई मीन अभी मेलोडी बनाने के काफी तरीके हैं, लाइक फर्स्ट जो मैंने आपको बोला दिस इज द कोर थिंग, अगर आपको आपकी ये ट्रेनिंग ऐसी अच्छी है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये धुन ये है और ये वाली धुन ऐसी है, पहले तो वो बात होती है। जी जी, कि आपने कोई भी रैंडम गाना बज रहा है टेलीविजन रेडियो पे, आप उसकी मेलोडी आप अपने कीबोर्ड पे प्ले कर दे, मेलोडी से कॉर्ड वर्ड कुछ नहीं, लाइक एक इंग्लिश से प्ले कर दो चाहे, बट कैन यू फिगर आउट कि क्या हो रहा है उसमें, पहले तो वो बात है। राइट, काफी लोग वही नहीं समझ पाते कि भाई मेलोडी मेलोडी क्या है, क्या है और मैं कैसे इसको सुनूं और कैसे बनाऊं बजाऊं। बिल्कुल, पहला स्टेज हुआ है, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स ऐसे जो म्यूजिक प्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं है, एंड दे आस्क मी दिस स्टफ, सो इट्स अ चैलेंजिंग थिंग टू टेल देम कि डायरेक्टली वी कांट से कि हां कॉर्ड के हिसाब से मेलोडी फॉलो करो, नहीं ऐसा नहीं है, तो बाद में आ जाएगा। ये मतलब है आपका कि जितना म्यूजिक सुन सकते हो क्रिटिकली कि अच्छा भाई ऐसे बज रहा है, यहाँ पे बीट शुरू हो रही है, यहाँ पे उसने बेस डाल लिया, क्रिटिकली म्यूजिक सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एग्जैक्टली, और टर्मोलॉजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग टर्मोलॉजीज को मिक्स कर देते हैं। हाँ, मेलोडी एक्चुअल में जैसे हम गाना गाते हैं, गाना गाना भी एक मेलोडी तो हो गया, हम भी तो हमारी एक सिंगल आवाज है, अगर दो तीन लोग साथ में गाएंगे तो वो कॉर्ड बन जाएगी, वो भी एक हारमोनी हो गई, राइट? सो दैट्स वन द कोर थिंग्स लोगों को सीखनी है, उसके बाद मेलोडी आप कॉर्ड प्रोग्रेशन ये सब सीख साके बना सकते हैं, बट मेलोडी कायने में अगर आप धुन भी अपने आप में गुनगुना रहे तो इट्स आल्सो अ मेलोडी, आप उसको बस डिजाइन कर दीजिए और वो डिजाइन आप तभी कर पाएंगे जब आप इंटरप्रेट कर पाएंगे कि क्या प्ले क्या चल क्या रहा है। और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि जब आप कोई गाने पे काम कर रहे हैं कि भाई चलो कोई सैंपल उठा लिया उसका एक वो ले लिया,
तो अगर आप उसको सुन रहे हो और वैसा सा कुछ सुना हुआ है तो ऐसे होता है कि अच्छा यार उसमें ये बजा था वो बजा के देखता हूँ, और गलती से ही चाहे कीबोर्ड पे हाथ लग जाता है किसी और सुर पे या किसी और नोट पे तो कुछ नया क्रिएट हो जाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, तभी तभी हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और आई मीन अगर अलग अलग टाइप का म्यूजिक सुनो, अलग अलग देखो कि वो कैसा प्ले करते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है तो सात नोट्स ही हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ कि द बेस्ट, सो बिकॉज दे कम अप टू मी एंड से लाइक सर मैं म्यूजिक बनाने बैठा और मेरे को समझ नहीं आ रहा इसके आगे क्या बनाना है, आई एम कंफ्यूज्ड, सो आई एम लाइक राइट आई एम लाइक सो ही इज लाइक हाउ टू डील विद दिस इशू, सो आई एम लाइक लिसन टू एज मच एज म्यूजिक एज यू कैन एंड एंजॉय इट। तो हम लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए क्योंकि हम मजे लेने के लिए इस इंडस्ट्री में, वी लाइक टू हैव फन, वी लाइक टू मेक म्यूजिक, right, and at right, the end of right. the day we love what we do and we, right. when we go home and we sleep we are happy about the fact ki ha bhai aaj music banaya maza aa gaya, right, aaj mix kara kuch maza aa gaya, so it's, this is all for having fun, so not being in pressure and just enjoying kind of music, right very true will give you the inspiration ki ha main aisa zarur banana chahta hu, aisa kuch karta hu, ha so this like all passion, it's not nothing ki science fiction hai usme koi, par hame aapko bhi pata hai hum dono ko to isliye aata hai kyunki hum we are really interested in this and we are really passionate about what we're doing. Right. Why we are here. That's why we're speaking. I'll take some questions. Beech beech mein ek yahan pe hai Ninja OP villain gaane ka deconstruct. Bilkul, I'll try to do that. और प्लीज यहाँ पे लेकिन भाई स्पैम ना कर, अच्छा कोई पता नहीं whosoever is spamming प्लीज आप मत कीजिए, और VST जरूर, MV आई विल रिकमेंड, आई विल टेल सत्यम टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई विल कीप दैट फॉर लेटर। और सेरम मासिव, यस वो बहुत अच्छे हैं, पैरामेट्रिक EQ के बारे में कुछ बताएं प्लीज। हाँ सत्यम, उसको बारे में कुछ आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, नो डाउट वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, व्हाई यू रेंडर द मेलोडीज इन योर डिकंस्ट्रक्शन वीडियो टू MV, हम ऐसा करते हैं, मैं यूजुअली ऐसा करता हूँ, माई प्राइमरी डॉ इज लॉजिक एंड देन एबल्टन और फिर FL, तो हमारा कुछ ऐसा नहीं होता है कि FL में ही बनाना है या उसी में ही बनाना है। अगर आपने मेरी डिकंस्ट्रक्शन वीडियोस देखी हो तो मैं FL में भी बनाता हूँ, एबल्टन में भी, लॉजिक में भी, तो वो सब तीनों चीजों का मिक्स होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसीलिए वो नहीं होता। 6-6 नोट्स को यूज करो, ओके बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। सत्यम, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस प्लीज। या सो आई मीन आई सी फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस लाइक what's the difference between melody and synth? Okay, that's what I'm saying ki ye terminologies hain, usko kehte kya hain uske bare mein. To terminologies samajhna hai pehle, synth ek synthesizer ho gaya aur melody ek concept of is a concept of music, that's one of the terminology, ye different terms hain. हाँ, सिंथ का मतलब है एक डब्बा जिसके अंदर से आवाज निकल रही है और मेलोडी वो है जो वो आवाज निकाल रहे हैं हम। सिंथेसाइजर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिंथेसाइजर्स होते हैं। सेरम मैसिव को भी सिंथेसाइजर कहा जाता है, दे आर डिजिटल सिंथेसाइजर्स, राइट। और मेलोडी जिसकी बात हम कर रहे थे वो एक मेलोडी, एक धुन हो गई जो हम प्ले करते हैं, तो बिल्कुल इसका अंतर पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, काइंडली शो हाउ टू सेट अप इनपुट एंड आउटपुट गेन फॉर बेटर वोकल आउटपुट। ओके सागर साह, ये आपको जरूर बताएंगे किसी दिन वोकल की क्लास में। आज लेट मी टेल यू अबाउट कि आज हमारा सेशन किस बारे में है। सत्यम, व्हाई डोंट यू शो सम लाइट? या सो शुड आई शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट? नहीं, पहले जस्ट टेल देम कि आज का सेशन किस बारे में है। राइट, सो हमारा आज का सेशन है कि हम 2 मिनट का या फिर 1 मिनट का ट्रैक कैसे बनाए फ्रॉम स्क्रैच, हाउ टू यूज अ सैंपल एंड टू प्ले अराउंड विद डिफरेंट स्टफ दैट वी कैन क्रिएट। हर चीज को सैंपल से नहीं उठाएंगे, हम अलग चीजें यूज करके वी विल यूज दैट आइडिया टू क्रिएट समथिंग न्यू, या फिर मतलब काफी अलग चीजें बनाएंगे उसमें से। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज और एबलेट लाइव एक ऐसा सॉफ्टवेयर है व्हिच अलाउज यू टू मेक वन थिंग विद डिफरेंट स्टफ, राइट, क्योंकि एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग है और साउंड इंजन स्ट्रॉन्ग है, राइट, बहुत सारे तरीके हैं उसमें और मजा आता है अलग तरीकों से बनाने में, और एल्गोरिथम्स भी अच्छी है और लाइक काफी सारे अलग फंक्शंस हैं जो मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास वहां पर हैं। दूसरा चीज ये कि हम काफी लोगों को वोकल चॉप्स बनाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है पॉपुलर म्यूजिक में, दे कीप मेकिंग इट, सो वी विल
go through some of the different ways. I would not go that much technical because there are a lot of ways, believe me. बट एक दो तरीकों की बात करेंगे जिसमें वोकल चॉप्स को हम लोग बना सकते हैं बना और सकते इंटरेस्टिंग हैं. बना सकते हैं, दो तीन तरीके देखेंगे. एंड उसमें फिर कुछ भी डाल दो, उसमें कोई भी हमारे जो ये इसका रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, दैट विल ऑल्सो गेट वोकल चॉप्स. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मेकिंग राइट दैट चेंज. राइट राइट नाउ द राइट थर्ड थिंग इज मिक्सिंग किक एंड बेस, विच मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आस्क्ड इन द यूट्यूब चैनल एज वेल, कि 808 कैसे बनाना है, ये कैसे करना है, और स्नेयर को उनको ट्यून करना बेसिकली इंपॉर्टेंट है ग्लू कि नहीं कैसे है. करना है कि वो एक हाँ, दूसरे ट्यून के करना है साथ कि नहीं. साथ चले. एग्जैक्टली. सो ट्यूनिंग का भी हम देखेंगे कि उन्हीं सैंपल्स को सेलेक्ट, सैंपल्स भी एक हिसाब से सेलेक्ट करने पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको हायर ट्यून पे जाना है तो आपके सैंपल्स भी चेंज हो सकते हैं. ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे. तो हाँ, राइट इन राइट दोनों को मिक्स करना, किक ऑन बेस को मिक्स करना, एंड ड्रम्स को बनाते हुए वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. सो या एनी ऑफ दी एनी ऑफ दिस गाइज हु हैव क्वेश्चंस को स्नेयर को कैसे ट्यून करना है, तो वो उसमें आंसर कर दिया तो जाएगा. वो यहाँ पे अप्लाई होंगे. ओके, हाँ तो आई विल नॉट टेक योर मच टाइम. आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करिए और लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. श्योर श्योर. कूल. सो आई मीन लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग हेयर एज वेल कि भाई मिक्स मास्टरिंग पे कोई सेशन करो. सी गाइस, लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन वी वर स्पीकिंग अबाउट दिस, दैट प्रोडक्शन मिक्सिंग गोज अलॉन्ग प्रोडक्शन. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच हेयर एट वीट फैक्ट्री, कि वी कॉन्स्टेंटली एम टू मिक्स थिंग्स वाइल वी गो. एंड राइट. सो आप अगर कोई भी मिक्सिंग सीखना चाहते हैं तो दे शुड वॉच दिस एज वेल, लाइक वाइल वी डू दिस. ठीक है. सो वी आर जस्ट पिकिंग अप सम सैंपल्स फ्रॉम स्प्लाइस. स्प्लाइस इज वन ऑफ द, ये हम एबल्टन में है ना. अभी हम एबलेटन लाइव के अंदर है. ओके ओके एबलेटन लाइव इज वन ऑफ द मेन डॉज दैट आई यूज फॉर प्रोडक्शन ओके स्पेसिफिकली. ओके आप मतलब काफी अलग टाइप के डॉज और हैं दुनिया में यही हम मिक्स ऑनलाइन भी मास्टरिंग. करवा रहे हैं, राइट? यही इसी एग्जैक्टली. बिल्डर में ये हम. इसी का हम लाइट वर्जन यूज करके, हाँ 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 हम इसका लाइट वर्जन वी आर गिविंग इट अवे विद द फीस. सो इट्स अ मेजर थिंग फॉर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु वांट टू गेट इन टू एबलेटन लाइव. दे विल गेट अ लॉट ऑफ फंक्शंस विद द लाइट वर्जन. डोंट थिंक ऑफ इट एज एनी सॉर्ट ऑफ डेमो वर्जन. इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस एंड थिंग्स टू एक्सप्लोर. सो अगर आप कोर्स लेते हो तो हम आपको सारी चीजें इस डॉ पे पढ़ाएंगे, इवन हाँ मास्टरिंग मिक्सिंग व्हाटएवर. लाइक नॉट एवरीथिंग कैन बी टॉट इन शॉर्ट कोर्स, बट वी विल ट्राई टू टीच एज मच एज वी कैन. राइट. तो इसमें जी हम सेशन व्यू में, इसमें दो अलग टाइप के व्यू होते हैं. आई मीन वी आर नॉट हियर टू एक्सप्लेन एबिट राइट. लाइव, तो बट लेट अभी अस स्टार्ट विद द बता रहे. प्रोडक्शन. कूल. नाउ वी आर डूइंग दैट. सो हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एज यू कैन सी आई हैव जस्ट लेड आउट कपल ऑफ थिंग्स, ओके, यू नो, ड्रम कपल ऑफ किक्स सैंपल्स एंड, हैं ये सारे. या कपल ऑफ किक्स एंड स्नेयर्स. एंड आई फाउंड दिस लूप हियर ऑन फ्रॉम स्प्लाइस व्हिच गोज लाइक दिस. टिपिकल लूप फॉर लाइक हिप हॉप काइंड ऑफ बीट्स और सम ब्रेक ब्रेक बीट स्टफ दैट वी कैन मेक. वी कैन गो फॉर एनी अदर सैंपल्स एज वेल. लाइक यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ सैंपल्स दैट वी कैन फाइंड ऑन स्प्लाइस, व्हिच इज वन ऑफ द प्लेसेस where you can find a lot of different samples. Splice, SPLICE. You can go here and if anyone wants to do this, they can find even better samples there to start with. ठीक है. सो हम इस सैंपल को रेफरेंस लेके चल रहे हैं एंड वी विल ट्राई टू. एबिलिटी लाइव में क्या होता है कि एज सून एज यू पुट एनी सैंपल इन, वो अपने आप ही टेम्पो रीड कर लेता है. तो हम अच्छा. हाँ, अपने आप ही टेम्पो रीड कर लेता है वो आपका. एंड इट आई मीन लॉजिक में अब आगे चीज आई है, बट we will विल नॉट start गो with this ऑन टू and दैट पार्ट सत्यम. I mean, नॉट, नो कंपैरिजन एट ऑल. विल जस्ट फोकस right. ऑन द प्रोडक्शन. Everyone is talking about it. Anyways, तो यस हम लोग यस start करते हैं. Usually मैं बहुत तेजी में बनाने लग जाता हूँ चीजें, क्योंकि that's my workflow. ओके But we'll start with designing kick. So it matters a lot कि आपको आपके कान अच्छे हैं identify करने में कि इसको. क्या अगर अच्छी नहीं साउंड है, है क्या नहीं है. अच्छी साउंड है कि नहीं है, तो विल चूज लाइक सैम्पल. वी हैव आई हैव चोजन सैंपल्स व्हिच आर गुड इनफ फॉर दिस ट्रैक. सो सैंपल चूज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका किक अच्छी साउंड कर रही है. बट राइट. हम जो कोर्स अब पढ़ाने वाले बीट फैक्ट्री ऑनलाइन का, उसमें हम लोग ड्रम्स बनाना भी सिखाएंगे कि दो तीन किक्स को यूज करके एक अच्छी किक कैसी बनानी है. जो बिकॉज बहुत लोग जिसको लेयरिंग बोलते हैं, राइट. हाँ एग्जैक्टली. हाँ एंड हाँ वो प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है, बट अगर आप उसको करना स्टार्ट करेंगे तब ही पॉसिबल है वो. ऑफ कोर्स लाइक एनीथिंग एल्स. तो बट
अगर आपको किक का लो एंड एक बनाना है, फिर आपने हाई एंड रखा और फिर एक मिड एंड रखा, तीनों को यूज करके योर वन किक विल साउंड बेटर देन एनी सैंपल दैट यू कैन फाइंड एनीवेयर। दैट्स बट इन दिस केस हम क्योंकि जल्दी चीजें करने वाले हैं, वी विल जस्ट लाइक स्टार्ट विद व्हाट वी आर डूइंग। सो cool. So you can see a snare is not that good. And like we can always go and find some other snare, since like I've not, and yeah, of course we'll have to tune this. So one way of like managing all these things is to one way of making good beats is to use velocities. Okay, so हम लोग अभी के लिए तो कोई नॉर्मल सा पैटर्न रखते हैं किक का। नाउ वी विल स्टार्ट विद, वी विल कॉल दिस चैनल किक एंड स्नेयर। नॉट गोइंग टू मच इनटू प्रोडक्शन, वी विल जस्ट टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टफ। तो हम लोग ड्रम्स को ड्रम रैक लेकर वी विल ट्राई टू डिजाइन सम हाई हैट्स। सो वन वे आई मेक थिंग्स इज लाइक कि अगर मैं ड्रम्स बना रहा हूँ एंड वी पर सैंपल भी ना हो, आई गो थ्रू द सैंपल व्हाइल द ड्रम्स आर प्लेइंग, अंडरस्टैंड कि वो मैच करने चाहिए। Like for example, this one matches well, and this way you will be able to tune them better as well. क्योंकि अगर आपको पता होगा कि samples match कर रहे हैं साथ में, तो it's because of a reason. It's because of they are in the same tune. And if they are not, हम उनको बाद में भी change करेंगे. But पहला initial point sample choose करने का ये है कि वो साथ में सही sound करें. सही sound करें. हाँ, तो मैं drums को पीछे play करने देता हूँ और कोई भी नई चीज मेरे को ढूंढनी होती है drums में, तो मैं उसको explore change. करते रहता हूँ. Okay, okay. So that's like a good technique. Like if you want, if you guys anyone wants to try. We'll start with really basic stuff, but like this will kind of like some. Sorry to cut you. Somebody is saying कि master का sound बहुत ज़्यादा है और जब music चलता है तो आवाज़ नहीं आती. तो थोड़ा master का sound कम कर लो यार आप. कम कर लो. Okay. हाँ. I'll go like 5-4 dBs or something. हाँ, -6, -5. Cool, -5. There you go. बेटर हाँ, मैं पूछ लेता हूँ एक बार. लूप म्यूजिक ने बोला था, या पता नहीं किसने बोला था यहाँ पे, मास्टर हिमांशु दिगबाल. हिमांशु, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद द विद मेकिंग सम गुड स्टफ. वेल, लेट्स मेटानोम को ऑफ करते हैं एंड लाइक so yeah, I'm using different velocities and like here I'm trying to use different set of hi hats. So hum log hi hats ko banate hain sabse pehle, because these will bring some movement inside our track. And so I was talking about input leveling. Input level ka matlab ye hai ki hum yahan se level kam karne se acha hum apne clip ka hi level kam kare. Okay, usse kya fayda hoga, kyunki usse aapko zyada dynamics aate hai. You're not like pushing everything in the input and फिर आप decrease कर रहे हैं output. बेवकूफी हुई. आप दोनों को ही नीचे करिए और उनका एक balance रखें, तो उस balance की वजह से आपको dynamics काफी आएंगे. तो whenever I'm tuning something or leveling something, मैं इन्हीं के अंदर जाके level करता हूँ. यहाँ पर कुछ नहीं करता. Okay, okay. तो अगर कोई अपने DAW में भी है और उसने अगर कोई sample बाहर से डाला है, तो उस सैंपल का वॉल्यूम कम करें rather than उस सैंपल का लेवल कम करें. हाँ, exactly. और वो हम चाहे गेन प्लगइन लगा के भी कर सकते हैं. गेन प्लगइन लगा के कर सकते हैं, बट इनपुट लेवल पे ही करना है. जब इनपुट लेवल पे ही, मतलब जब वो हमारे फेडर के अंदर जा रहा है उससे पहले. उससे पहले, हाँ. सो यू कैन मैनिपुलेट एनीथिंग हियर. इसके बाद आप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लगा दिया आपने, यूटिलिटी गेन व्हाटएवर लगा दिया इसके आगे. बट आई वुड प्रेफर कि आप इनपुट गेन कम करें. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी आ रहा हूँ इस ऑडियो में, तो मैं यहाँ पर भी काम कर सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, करता ही हूँ. लाइक मैं हमेशा इनपुट लेवल को ही मैनिपुलेट करता हूँ, अनलेस आई हैव टू से कि यहाँ पर बाद में जाके मेरे को थोड़ा बहुत कम करना पड़ रहा है. कम करना पड़ रहा है, हाँ. बट ऐसे, बट मोस्ट ऑफ द मेन चेंजेस दैट आई डू इज इन माय इनपुट level. Okay, okay. Because अगर कोई भी ये test करता है, तो they will understand कि how suddenly everything sounds dynamic. हाँ 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 हाँ. ये क्यों है? क्योंकि बस हम
वही पहले जो आपको मैंने बताया कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो हाँ बेस बढ़ जाएगा, कम करोगे हाँ तो हाँ बढ़ेगा, हाँ उस इस वजह से. सो या लेट्स समझ अस गया. कंटिन्यू. एंड वन वे टू लाइक डील विद हाई हैट्स इज टू यूज डिफरेंट वेलोसिटी. सो हम मिडी इफेक्ट्स में आके हम वेलोसिटी का यूज कर सकते हैं, एंड वेलोसिटी विल गिव अस डिफरेंट वेलोसिटी फॉर हाई हैट्स. And we can also like make some movement, मतलब movement panning in automatic. This brings like sudden set of like movement in your track, which is nice. As you can see, हमारा kick on snare clip कर रहा है, तो हम इसको जाके इसका भी input level कम करेंगे. And don't worry about the fact that यार ये तो punch ही चला गया. We can process that later on, and उसका punch बढ़ सकता है फिर. Sometimes it's better to use the snare separately, तो हम वो भी कर सकते हैं. और मैं इसका रीजन भी बताऊंगा आपको अभी बीच में जाके कि हम क्यों करते हैं वो, क्योंकि वो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है हमारे लिए. तो हम अगर ड्रम रैक को यहाँ पर आके अगर ये वाला स्नेयर को उठाकर इस ड्रम रैक में ले जाए, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. लाइक लॉट ऑफ पीपल माइट बी डुप्लीकेटिंग ट्रैक्स एंड ऑल, बट तो हम यहाँ पर आके अपना स्नेयर हटा देते हैं यहाँ पर आके, और स्नेयर का मेरा एक अलग से ट्रैक बन गया. हाँ, स्नेयर का मेरे पास अलग से ट्रैक बन गया. सो दिस इज माय किक, आई कैन से दिस इज माय किक, दिस इज माय स्नेयर, एंड आई कैन प्ले देम सेपरेटली बिकॉज़ आई कैन प्रोसेस देम सेपरेटली नाउ एज वेल. सो इफ आई हैड बंच ऑफ किक्स, तो अगर मेरे पे किक्स हैं तो ओके, मेरे को वॉल्यूम कम बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ का वास्ट वॉल्यूम कम कर रखा है. मेरे को भी आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर आके इसका वॉल्यूम कम कर रहा हूँ और इसके अंदर कुछ चीजें, कुछ और किक्स भी डाल दे रहा हूँ, तो आई कैन प्रोसेस देम टुगेदर नाउ. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि एक हमने ऐसी क्लिकी काइंड ऑफ जिसमें टक टक की साउंड क्लिक आ रहा है. हाँ, हम इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं. तो मतलब अगर हम किसी चीज का पिच बढ़ाएंगे तो उसका वेवफॉर्म छोटा हो जाता है, छोटा हो जाएगा. तो अगर मेरे को सैंपल को ऑलरेडी छोटा करना है, तो मैं इसको पिचअप करूंगा तब भी हो सकता है. तो दैट्स आल्सो वे टू डू इट. बट या, हम इन दोनों का मिक्स करके वी विल मेक वन बिग किक. एंड ऑफ कोर्स या, इट टेक्स टाइम टू ट्यून ऑल दिस स्टफ, एंड यू कैन यूज अ ट्यूनर एंड यू कैन टर्न ऑन वन किक, एंड समटाइम्स इट डजंट शो यू. दैट्स लाइक वन ऑफ द बम्बर थिंग्स अबाउट ट्यूनर लाइक अ ट्यूनर, एक कभी कभार नहीं प्ले करता. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टू लाइक increase the do volume by ear. Yeah, do it by ear. Try to see if my hi-hats and my kick are in the same and harmonic tone. Matlab, and harmonic tone kya? Like, I mean, if they are sounding the same in terms of the pitch, aap unko ek sample play karenge, uske saath aapki hi-hat agar tune mein hai, kick agar tune mein hai, toh it should be sounding that way. If it's not, you can use a tuner. If tuner doesn't work, go back to ears. Theek hai, toh ab इस वाले केस में भी ट्राई कर सकते हैं. हाँ, यू कैन सी इन दिस केस इट्स शोइंग अस ई फ्लैट. सो या, हियर वी कैन सी दिस ऑन जी. सो एटलीस्ट वी कैन से कि ओके, वी कैन हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट कि जी से ही शुरू करते हैं, जी को ही करते हैं. ओके, एंड हियर वी कैन चेक एज वेल, दिस इज ऑल्सो इन जी माइनर दिस लूप. सो दैट्स ग्रेट, दिस विल फिट परफेक्ट. एज यू कैन सी किक और जी एंड जी, राइट. Now everything will sound good. Good. कुछ भी करो. इसके ऊपर हमें, इसके ऊपर हम ये clickiness add कर सकते हैं, और उसका भी input level हम कम कर देंगे. Starting point. Okay, so that's one thing. हमने kick को अपना ready कर लिया है. Right now for its It sounds fine for now. So, हम एक काम नहीं कर सकते. Question आया कि do you tune the whole drum kit or only kick and snare? Only kick and snare. The whole drum kit would not be able to. You won't be able to tune the whole drum kit. और वो अच्छा भी नहीं sound करेगा. बहुत artificial sound. नहीं, वो quite impossible type का scenario है कि मैं पूरे drum kit को tune करने बैठा हूँ, क्योंकि हर एक drum kit का tone अलग में भी हो सकता है अगर करना चाहें तो. जरूरी नहीं कि सबको G में ही कर रहे हैं. अगर जी के स्केल में और नोट्स आते हैं, जबकि आते ही है, उसके आसपास का नोट भी अगर आप यूज करेंगे फॉर हाई हैट्स, इट्स अ गुड थिंग. इट्स नॉट लाइक कि सब चीजें ही ट्यून होनी चाहिए. ऑफ कोर्स लाइक वो उसके स्केल में ट्यून रहे, बट अगर आप हाई हैट्स अलग अलग टोन की यूज करेंगे तो दैट्स आल्सो गुड.
बट या ड्रम किट पूरी आप नहीं कर सकते ट्यून, देर इज नो शॉर्टर वे फॉर डूइंग दिस, आपको इंडिविजुअल एलिमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा. एज यू कैन सी हम बहुत ही बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी बिग लेटर ऑन एंड दिस इज गोइंग टू बी बिगर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, दिस इज द बैकबोन ऑफ इट. राइट. बहुत लोग इन चीजों को मिस कर जाते हैं कि यार ये छोड़ो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. बट बाद में फिर हाँ वो रिफ्लेक्ट बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत जरूरी हैं कि आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है, तभी आप उसको जाके अच्छा प्रोसेस कर सकते हो. एब्सोल्युटली. लाइक मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ. कल मैं म्यूजिक बना रहा था बैठ के, एंड आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टेजेस वेयर आई हैव बीन लाइक दीस पीपल कि नहीं यार ये बाद में कर लूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स फास्टर. आई एम लाइक रियली ईगर फ्रॉम इनसाइड कि भाई म्यूजिक बनाना है, यू नो. बट मैंने काफी बार करके देख लिया कि द प्रोडक्शन क्वालिटी दैट कम्स आउट इज नॉट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टू बी राइट राइट द इंस्टिंक्ट दैट आई हैव द नॉलेज ऑफ. सो नाउ आई टेक थिंग्स इन अ रियली पेशेंट वे. आई ट्राई टू डिजाइन द ड्रम्स फॉर लाइक 2 आवर्स. ओके. हाँ मैं मतलब ड्रम्स मेरे अगर ऐसे साउंड कर रहे हैं कि मैं कोई चीज प्ले ही ना करूं शुरू कर दें उसपे, तो दे आर द बेस्ट ड्रम्स. सो दैट्स माय वे ऑफ डूइंग थिंग्स कि अगर आप एक ही एलिमेंट प्ले कर दो अपने गाने का और वो इतना अच्छा है, सोचो बाकी सारे एलिमेंट्स कितना अच्छा कर देंगे गाने को. बिल्कुल 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 बिल्कुल. दैट्स वन ऑफ द वे. सो ओके इन दिस केस स्नेयर भी हमारी चीजें नहीं दिखा रहा है. एक टेक्निक क्या होती है कि वॉल्यूम बढ़ाओ एंड थोड़ा ट्रांसपोज अप कर दोगे तो समटाइम्स इट विल शो यू, बट यू कैन सी लाइक हम इसको भी बाय ईयर कर पाएंगे. तो स्नेयर को इजी होता थोड़ा ट्यून करना. नाउ वी कैन टोनल थोड़ा ज्यादा पता लग जाता है एंड स्नेयर को बनाने में भी बहुत मजा आता है बिकॉज़ यू कैन शेप द स्नेयर इनटू समथिंग एल्स. बिकॉज़ जैसे हम केक को लेयर करते हैं वैसे हम स्नेयर को भी लेयर कर सकते हैं. आई विश आई कुड शो यू गाइस कि ये बाद में कैसा साउंड करता है, बट लाइक फॉर एग्जांपल ये छोटी सी नॉइस टाइप this will add like that flavor of hi-hat. ठीक है. तो अभी वो सुनाई नहीं दे रहा इतना because this snare is like little hard. अगर आप इसमें hi-hat भी add कर दो तो that will add that effect if you want. snare के अंदर ही अपने hi-hat को बड़ी से add कर दी. अच्छा एक और question है कि ये जो हम tuning कर रहे हैं ये हर genre के लिए है या specially hip-hop के लिए है? ये हर genre के लिए है. ये हर हर कोई भी म्यूजिक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक में बनाना है आपको. आई मीन आपको खुद पता है अकूस्टिक म्यूजिक के लिए भी लोग अपनी ड्रम के ट्यून करते हैं. तो हम इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो करेंगे करेंगे करेंगे. दैट्स द थिंग. ये हर एक म्यूजिक के लिए है. ओके. और अगर आप अलग से अपनी ड्रम किट बना के बैठे हुए हैं दैट्स लाइक इवन फास्टर. दैट्स लाइक आई हैव टू डू इट कि आपने अपनी किक्स सी में रखी हुई है, जी में अलग बनी हुई है, स्नेयर अलग बने हुए हैं एंड यू आर रेडी टू जस्ट लाइक मेक सॉन्ग. सो दैट्स लाइक the best thing. We don't have to go all through all this and we can already start with making music. Right. But yeah, we hum iske aage badhte hain aur kisi aur ko koi tuning se related sawal puchne ho to they can ask us now, but because now we are heading towards the hi-hat section. So without it and okay, with it. So sorry to cut you, but guys niche comment section mein Bass Foundry karke is one of our instructors at Chandigarh Beat Factory. अगर सतम और मैं लाइव सेशन के दौरान क्वेश्चन ना आंसर कर पाए तो बेस फाउंड्री शिवम विल आंसर यू. प्लीज सतम कंटिन्यू. या सो हम तीन अलग चीजें यूज कर रहे हैं तो हम तीन अलग चीजों को चाहते हैं कि एक साथ साउंड करें. ठीक है. तो हम उसका यूज करने के लिए कंप्रेसर का यूज करते हैं. हम कंप्रेसर हम टेक्निकल वे में तो कोर्स में समझाएंगे, बट जिन लोगों को कंप्रेसर पता है ग्लू कंप्रेसर इस केस में मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को तीन स्नेयर को एक साथ ग्लू करके एक साथ एक कट्ठी साउंड करना है. हाँ, तो यहाँ पर जब फेडर्स हिलने शुरू हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि कोई एक स्नेयर दूसरे स्नेयर से आगे जा रहा है. सो इट्स कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दैट एंड मेकिंग इट साउंड लाइक वन स्नेयर. सो उसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं हमने यहाँ पे. सो ज्यादा वी वॉन्ट प्ले अराउंड विद लेवल्स. द मोर वी प्ले अराउंड विद लेवल्स वो क्लिप करेगा यहाँ पे. वी डोंट वॉन्ट टू क्लिप. एनीवेज तो लेट्स बिगिन एंड हमारे स्नेयर और किक रेडी है समहाउ. बाद में एक और इंटरेस्टिंग चीज भी करेंगे हम लोग, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू दिस. सो नाउ द आइडिया इज टू वी हैव हर्ड वन हाई हैट. यू कैन सी एज सून एज आई पिच द हाई हैट अप इट बिकम्स शॉर्ट. दैट्स वन ऑफ द टेक्निक्स आई यूज एज वेल कि अगर मेरे को इस तरह की कोई
बनानी है। higher pattern or I can go for a like a lower kind of high hat. So we will continue to add like much more stuff in this. Drums ko play hone dete hain and we will just group all these things and solo the drums. These are our drums. So it's good to be it's good to be managed. हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड मतलब चले तो सही है, सब कुछ दिखता रहता है क्या क्या है क्या। एग्जैक्टली सब कुछ दिखता रहता है। जस्ट अ सेकंड, इट्स मेरे चार्जर का, दिस इज आउट प्लीज। आई टेक सम क्वेश्चंस तब तक। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेगुलर कंप्रेसर एंड मल्टीबैंड कंप्रेसर? यकूब, दैट इज अ होल चैप्टर जो आपने एक क्वेश्चन पूछा। एक लाइन में जवाब दे देते हैं इनका, कोई बात नहीं। ओके, क्या मल्टीबैंड और डायनेमिक कंप्रेसर से नॉर्मल कंप्रेसर के डिफरेंस बोला ना उनको? हाँ बिल्कुल। डायनेमिक कंप्रेसर मल्टीबैंड और अ कंप्रेसर, मल्टीबैंड और कंप्रेसर। मल्टीबैंड बेसिकली जैसे साउंड करता है, इट विल हैव मल्टीपल बैंड्स दैट यू कैन हैव कंप्रेसर वर्किंग ऑन डिफरेंट बैंड्स। ओके, जैसे आपका एक नॉर्मल ईक्यू होता है, फॉर एग्जांपल इस केस के लिए मैं कोई प्रो क्यू 3 यूज करके दिखा देता हूं, व्हिच इज वन ऑफ द फिल्टर बाय फैब फिल्टर। इसमें अगर हम कोई ऐसे नॉब्स बना रहे हैं, हां तो ये अलग-अलग बैंड्स पे these are the EQ knobs that we are making on different bands. All of these different bands can have their own compressor setting. Simple as that. Inki alag-alag compressor setting ho and they are working for something ki yahan par hi-hat zyada ho rahi thi, to compressor humne set kar rakha hai ki hi-hat ko kam karte rahega. Is tarah se example aap hai. आपके ना इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मेरे ख्याल से। मेबी इंटरनेट कनेक्शन में क्या है, इज बेटर नाउ? नो। ओके, आई विल टेक सम क्वेश्चंस तब तक। ग्लू वर्सेस ट्यूब कंप्रेसर। ग्लू एक अलग टाइप का सॉलिड स्टेट बेस है और ट्यूब कंप्रेसर हम अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। For that we can also use dynamic EQ. Yes, MV music you can definitely use that. और actually यहाँ पे हमारे comment section में लोग एक दूसरे का जवाब दे ही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात भी है। सर आपने अलग drum rack में अलग instrument rack क्यों बनाया है? अगर instrument rack नहीं बनाते तो भी एक में ही होता सारा process। सत्यम हाँ बहुत ज्यादा कट के आ रही है। क्वेश्चन ये था कि मैंने अलग अलग चीजें क्यों बनाई हैं अलग अलग चैनल्स में, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसको अलग प्रोसेस करना है। ऑफ कोर्स एक तो थोड़ा क्लीनलीनेस रहती है कि आई एम मैनेजिंग माय किक स्नेयर एंड हाइट सेपरेटली, कभी भी मेरे को वापस आना पड़ा मेरे को किसी ड्रम रैक में जाके किक नहीं ढूंढनी पड़ेगी। अनदर थिंग इज दैट फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑन हम साइड चेन भी यूज करते हैं, तो साइड चेन अगर हम लगा ही देते हैं इस पे, सिंस मेरे को सवाल पूछ ही लिया मैं इस पे वापस आने वाला था। नाउ इफ यू आर साइड चेनिंग दिस मेलोडी टू द किक, then we can just like put the side chain on this channel and directly find the kick, snare and anything else we want. So that's like okay. easy for me. I don't have to go and kick, because agar wo ek drum rack hoti aur usme kick, snare aur hi hat hote to mereko drum rack ko choose karna padta, fir uske andar ja kick dhoondni padti and kaun si kick hai wo, kyunki kabhi kabhi hum do teen kicks use kar rahe hain, so it will be a hodgepodge situation. So main usually alag rakhta hu cheezon ko. तो किक यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर ली और वी कैन सेलेक्ट आवर किक फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट रैक एंड वी कैन ओके वी कैन सी नाउ वी कैन प्ले आवर किक एंड मेलोडी साइड चेनिंग इट। यूजुअली हम साइड चेन का यूज करते हैं किक पे और स्नेयर पे, सो वी कैन यूज द स्नेयर एज वेल। डुप्लीकेटेड इट, आई हैव जस्ट डुप्लीकेटेड इट एंड लाइक मेड इट connected to the snare. Oh, actually, यहाँ पे मैंने हाँ सही कर रखा है, ठीक है। तो snare का connection यहाँ कर देंगे हम। अभी kick और snare पे दोनों पे इस melody का duck-in effect होगा। नहीं, melody पे इनका effect होगा, right? हाँ, melody पे। melody जो guitar की melody चल रही है, उसपे side chain होगा।
कैन सी स्नेयर भी प्लग इन करेगा. मैनेजमेंट लिए एंड ऑफ कोर्स हम यहां पर आके इसको ईक्यू भी करेंगे. ऑफ कोर्स वो मैंने नहीं करा यहां पे. ये सारी पार्ट वी नॉट गो इनटू द मिक्सिंग मास्टरिंग पार्ट एंड मोर टू बेसिक स्टफ दैट वी डू. सो हम यहां पे बस ऐसे किक और स्नेयर पे हम वी पुट द लो कट बिकॉज़ वी डोंट वांट अननेसेसरी स्टफ टू बी हैपनिंग. स्नेयर पे हमें लो एंड नहीं चाहिए और किक पे हमें नहीं चाहिए. तो एक 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 चीज हम डाल के चलेंगे. बिकॉज़ दिस इज ओके मेबी दिस इज योर वर्क फ्लो की मिक्स करते करते हुए ही आगे चलो. वेल गुड. डेफिनेटली वो मैंने आपको बोला कि यहां पर चीजें काटते हुए चलो, बाद में जाके तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा. लेकिन सी हाई हैट्स में से ये सब चीज जुड़त नहीं है लो एंड का. तो इट विल ऑलरेडी स्टार्ट टू साउंड गुड. फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इसी को हम डुप्लीकेट करके वी कैन रिवर्स दिस थिंग एंड we have a new chord for it. That's what I like. Yeah, right. With reverse stuff as well. You can see, like, let's start to record this thing here. And I'll show you how ki aap jo bhi aapne apne drums banaye hain usi ka use karke kaise aur bhi elements bana sakte ho, like reverse snares and stuff like that. Okay. Yeah, I'm clipping on my group, but कोई बात नहीं. हम लोग हमारे पे ज़्यादा time नहीं mix करने का, but ठीक है. तो we are in the arrangement section on since we talked about कि 2 minute गाना कैसे बनाना है, so I had to come here because we have to arrange and drums को हम duplicate करके. But यार ये आपकी बात बिल्कुल सही थी. ये अभी अच्छी लग रही है यार सुनते हुए. अभी vibe आ रही है कि अच्छा यार ये बनेगा, ये कुछ बनेगा. हाँ exactly. तो वाइब भी तो चाहिए हमें. तो वी हैव टू मेक समथिंग गुड दैट राइट दैट वी आर इंप्रेस्ड विद. वी हैव टू इंप्रेस आवरसेल्फ, नॉट एनी फ्रेंड एनीवन. बिल्कुल एब्सोल्युटली. तो वी कैन स्टार्ट विद समथिंग लाइक दिस थिंग एंड वी कैन काइंड ऑफ लाइक इफ वी वांट वी कैन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड वाइनल डिस्टॉर्शन सम स्टफ. सो इफ यू ओपन अप दैट इंस्ट्रूमेंट नहीं खुला हुआ, जस्ट अ सेकंड. एक रेडियो विनिल साउंड बेसिकली, जो ओल्ड ब्लैक सीडीज होती थी बड़ी विनिल साउंड है. राइट. सो यू कैन रिकॉर्ड द साउंड इन हियर. आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड लाइक दैट्स लाइक अ गुड थिंग दैट आई लाइक फॉर लोफाई काइंड ऑफ म्यूजिक. आई डोंट नो, लाइक हम लोफाई तो बना भी दें, तो हिप हॉप पे आने वाले थे, बट हम व्हाई नॉट बी ऐड दैट एज एन इफेक्ट. We are recording it from this channel to this channel. That's what I am doing here. So, okay. हम इसका एक audio में bounce ले रहे हैं. And that's like one of the procedures that I go for कि मैं कोई भी sound मेरे को सुनाई दे रही है, तो मैं उसको immediately audio में okay, convert कर लेता हूँ. हाँ. और then you can manipulate that क्योंकि हम इस course में भी सिखाने वाले हैं कि warping कैसे करनी है. Warping is one of the powerful ways to make music. Right. जैसे कि मैंने आपको देखा कि हम इसको बंद कर देते हैं. We just have our sample ready. And we can just play it at the time of the start, you know, when our track is starting. That gives like a radio kind of effect now. Okay. Yeah, so मैं किस बारे में कह रहा था कि हाँ, तो मैं कह रहा था कि warping का use करके कैसे you can do things. So there are different algorithms for us to manipulate, so we can make stuff like this possible. And you can see how that will sound with the drums. You know, so that gives you a lot of possibilities to work around it. Yeah, so yeah, let's quickly, since we have to talk about kick and bass, hum bana lete hain bass. And we will design our sub, and a lot of people might have questions because a lot of people are on this channel. We have make hip hop and make bass music. So absolutely, they need those bass. Can you suggest any plugin for tuning drums? Aap ye video ko thoda sa piche se dekhein. Satyam ne iske upar abhi kafi bataya. What does dithering do and difference between rectangular and triangular dithering?
ओके डिथरिंग के डिथर एक कंसेप्ट है जो बाद में आता है जब तुम मास्टर कर रहे हो, मास्टर के बाद भी तभी आता है जब आप वेव को MP3 में डाउन सैंपल कर रहे हो। किसी चीज को फॉर एग्जाम्पल फोटो का एग्जाम्पल लें, कोई हाई मेगापिक्सल से आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो तो उस टाइम पे काफी सारे पार्टिकल का लॉस हो रहा होता है चीजों में, तो उस पार्टिकल लॉस को दिखाने के लिए कि लॉस नहीं हो रहा है और हमारे माइंड को फेक करने के लिए डिथर यूज करा जाता है। इफ दैट शुड बी अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ समथिंग इन 1 मिनट, बट डिथर एक बड़ा कंसेप्ट है बट वो एकदम एंड स्टेज पे यूज करा जाता है जब आप अपने वेव फाइल को MP3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। या एंड आई मीन यू कैन प्रीटी मच यूज एनी काइंड ऑफ डिथर, इतना ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है कि ट्रायंगलर करूं या ये करूं, इट्स नॉट यू वोंट बी एबल टू हियर इट हियर इट राइट राइट एब्सोल्युटली एज अ ऑडियो इंजीनियर, यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि हुआ क्या है, हाँ इट्स दैट कॉम्प्लेक्स। हाँ ठीक है, तो ऑपरेटर एक चीज है जो मैं यूज करता हूँ बिकॉज इट गिव साइन वेव बाय डिफॉल्ट ओके एंड साइन वेव से ही सब बना जाता है। किसी और वेव से अगर हम सब बनाएंगे तो इट विल हैव मोर हार्मोनिक्स एंड इट विल साउंड क्लस्टर्ड। सो बेस बनाने का तरीका यही होता है कि यू ऑल्सो जस्ट लाइक वी मेड किक्स एंड स्नेयर कि हमने लेयर करा चीजों को, वैसे ही आप सब सब बनाने के लिए फिर बेस लाइन बनाने के लिए देर इज ऑलवेज अ सब विच इज लाइक द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जो साइन वेव होती है उसके ऊपर आप अपनी बेस लीड्स वॉबल्स जितने भी होते हैं उस पर डिजाइन करते हैं। तो जितने भी स्क्रिलेक्स जितने भी लोग हैं दे ट्राई टू मैनिपुलेट थिंग्स ईदर विद सब सेपरेटली और मे बी विद इट, बट इट्स गुड यू हैव टू नो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो एनीवेज ऑपरेटर में हमारा ये वेव है, आई थिंक इट्स बिकॉज इज इट इज माई ऑडियो लाइक क्लिपिंग नाउ? नो नो इट इज ओके। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव चार्जर ऑन माई लैपटॉप सडनली स्टार्ट्स टू हाँ अब होने लग गया बफर साइज बढ़ा लेता है ना वो उसकी वजह से होता है। एक सेकंड तो आई विल टेक सम क्वेश्चंस, तब तक आई वाज कंपोजिंग म्यूजिक फॉर अ ट्रेडिशनल सॉन्ग बट व्हेन आई सॉ यू स्ट्रीमिंग आई लेफ्ट इट एंड केम हियर। सो स्वीट ऑफ यू निशांत किरण, आई होप यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम एंड प्रोवाइडिंग समथिंग यूजफुल टू यू। ओके हाउ कैन वी मेक आउट स्ट्रोक कंप्रेसर like yeah. LA2A, how can we make out samjha nahi main kaise you want to make out hello Cherub sir, hi audio is not clipping but picture quality is not that good। ये स्ट्रीम होने के बाद हम इस पोस्ट कर देंगे तो अगर आपको ढंग की क्वालिटी इसको HD में देखना आई गेस आप तब देख सकते हैं इसको। बिल्कुल आई मीन आपको ऑडियो क्वालिटी का मेन पंगा होना चाहिए, वीडियो तो हमारी शक्लों में क्या है। ओके तो नहीं वो स्क्रीन कैप्चर की बात कर रहे थे। ओह स्क्रीन लाइव का, हां सॉरी अबाउट इट। 3x ऑसिलेटर इज फॉर द FL द बेस्ट वे टू मेक सब बेस इफ यू नो हाउ टू यूज इट। हां स्नाइपर पाब्लो, व्हाट अ यूनिक नेम स्नाइपर पाब्लो, ठीक है। वो आप बिल्कुल किसी भी डॉ में यूज कर सकते हैं, ऐसे हर जगह पे अलग-अलग हैं। Thank you, sir. I'm just 15 years, and you are such an inspiration. I guess that is for Satyam, and we are happy to inspire you. Is Novation launch ki 61 good for home? Any MIDI, yaar, koi bhi MIDI lo, bas music banana start karo. Can you deconstruct Skrillex signal processing chain? Sure, we'll try, but we don't deconstruct processing chains. We deconstruct songs. Suggest some same chains are really tough to figure out. actually from that point Mayur ne pichli bari ka jo session hai unhone ek chain free di hai, agar aap wo download karna chahte hain to hamari pichli live video pe aap ja ke dekh sakte hain, wahan pe comments mein ya niche description mein wo zarur hoga. Can you tell a little about LUFS and RMS? Sure Satyam will shed some light on it, lekin abhi hum poochte hain ki Satyam thoda sa kuch hua, can we proceed? Yeah, we're fine. Good to go. Yeah, you can see like there's no lag. So okay. Now what we're trying to do is like we're trying to use the drums and using the drums and making the sub in here. Uh-huh. So hum sub ko hamesha red dikhayenge kyun? Kyunki hame hamesha isko dekhna padega aur ise process karna padega. Like to keep the sub and the organized aur sara kuch. Haan, sab kuch organized. Yahan pe green hamara melody hai. Audio humne kuch naya kara hai, to we can call this our FX1 because we will have a lot of effects and हम इसको क्लीन रखेंगे और वी विल ओके हमने गलती से सबको ड्रम्स के ग्रुप के अंदर डाल दिया, उसको बाहर करते हैं
and we will start designing our subs. I wanted to talk about how to make sub, and for like any hip hop track, how to kind of process it. And there are different ideas that you can go for. Okay. तो हम लोग स्नेयर के आने से पहले ही सब को बंद कर दे रहे हैं एंड दे विल काइंड ऑफ लाइक डुप्लीकेट थिंग्स इन हियर ठीक है तो आई मीन डिजाइन तो हम बाद में करते रहेंगे द आइडिया इज दैट लाइक आई लाइक टू यूज लॉट ऑफ पिच बेंडिंग विद इन बेस बिकॉज आप काफी देखोगे ट्रैक में हो सकता है लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ वॉबली इफेक्ट्स आर देयर ऑफ कोर्स यू कैन यूज ग्लाइड और आप एक नोट से दूसरे नोट के बीच में यू कैन गो स्लाइड करते हैं वो सब कर सकते हो बट पिच बेंडिंग भी एक तरीका है जिसको आप ऑटोमेशन का यूज करके यू कैन मेक थिंग्स साउंड मोर इंटरेस्टिंग ओके ओके तो हम ऑपरेटर के अंदर आकर वी आर इंक्रीजिंग द पिच बैंड ऑफ आवर सिंथेसाइजर जैसे हम हमारे पे कीबोर्ड में लेफ्ट में सिंथेसाइजर का पिच बैंड होता है उसका रेंज बढ़ा दे रहे हैं ओके एंड वी विल कम इनसाइड हियर एंड टर्न ऑन शेपर ये सब चीजें मैं पढ़ा सकता हूँ कोर्स में बट अभी के लिए Okay. Things more sound more open, spread out, and maybe we can process it a little bit further. So now it sounds more brutal, like the low end itself. So हम लोग यहाँ पर आएंगे. हमने एक दो midi note बना दिए, which is corresponding to our drums. You know, something like that, and we'll loop this area. And इसके ऊपर हम pitch bending कर सकते हैं. Automation में आके If I go into MIDI control and pitch bending, I can use that pitch bend, pitch range value, and I can make this kind of stuff possible. You know, something like that. Okay, okay. Or we can do something like this. And of course, we can use the glide as well as the pitch bending. Now you have to be careful ki kahan par aap kya dal rahe hain. क्योंकि ये ऑटोमेशन मोड्स यहीं पे रहेंगे और आप अगर यहाँ पर कोई नोट डालने लगे तो इट विल आल्सो पिच बेंड सो यू हैव टू बी केयरफुल नाउ वी कैन सी कि हम हमारा ये अलाइन कर रहा है इसके साथ या फिर नहीं कर रहा है मेलोडी के साथ काफी कर रहा है मजा है यू कैन प्ले सम नोट्स इन बिटवीन एंड चेक आउट व्हाट One way to figure out what the bass line could be is to playing it in higher pitch because higher low pitch mere ka sunai nahi de payega sunai nahi deta yeah so we will go a little bit of these notes and yeah so this is how I pretty much make bass and yeah of course I will find more time to design it online to satyam just give me a minute yeah. I'll attend this call somebody from australia a student of ours online student is calling me oh no worries yeah so I'll continue I'll continue, please continue, continue. I'll also look at the comments if I can sorry Sorry, Shiva. Okay. समझ गया एक सेकेंड कूल गाइस सो इस पर देखते हैं आपको क्या बोलना है एंड It's is Ableton Live Lite good for MIDI beginners, mid beginners? Yeah, definitely, definitely. Ableton Live can seriously help. I mean, the Lite version has a lot of different things already. It has a bunch of audio effects. It has a bunch of instruments that you can mess up with, and there are a lot of things that you can start with. And I definitely can make music with just what I'm given here. Yeah. I have one problem. If you could help me out with it, it'll be awesome. I've completed a song while back and I've heard it on a DAW and it was okay in terms of volume, but when I exported it, it was not loud. When you were producing it, it was fine, but when you exported it, it was not loud. Yes. Maybe right. Some problem in your master chain or something.
Yeah, I mean, you'll have to check them. They can be multiple reasons, but it's good to see the meters. And सबसे बेटर बात है कि आप अपने कंप्यूटर से पूरे सिस्टम को अच्छे से जान पा रहे या नहीं पा रहे, अगर आपका म्यूजिक स्पॉटिफाई पे सुनते हुए अच्छा साउंड कर रहा है आपके स्पीकर्स पे या नहीं. अगर वो नहीं है तो फिर आपका म्यूजिक भी क्यों करेगा. राइट, एब्सोल्युटली. तो पहली वो चीज, दूसरी ये चीज कि आप अपने मास्टर चैनल पे देखें कुछ अलग चीजें तो नहीं लगी हुई. यू यूज मीटर्स, सो देयर माइट बी एन इशू. कैन यू लुक एट मोर क्वेश्चंस, बिकॉज़ Yeah, I'm looking. मैं फोन पे नहीं देख पाता बीच में. हाँ हाँ, please please, I'm doing that. Okay. So, I mean, VSTs, I hope we don't miss out on anyone. Some VSTs you use a lot, don't ignore them. MC, we have a superb VST that is called Retrovolt, which is by our own company. Parent company is Beat Factory, और उनकी एक और हमारी एक और कंपनी है Beat Skills. Right. तो आप वो यूज करके देखिए, आप यू लव इट. और अभी एक कल वीएसटी लॉन्च हुआ एक्चुअली, सैम्पलेक्स, बहुत प्यारा वीएसटी है. आप एक बारी उसको यूज करके देखिए. देयर इज अ साइन सब बेस्ड नेम बेसिक साइन इन बिल्ट इन लाइव. कैन यू टेल हाउ टू पिच बेंड फ्रॉम दिस? सॉरी, बेसिक, देयर इज अ साइन सब बेस्ड नेम्ड बेसिक साइन इन बिल्ट इन लाइव. कैन यू टेल हाउ टू पिच बेंड फ्रॉम दिस? मतलब उसी प्रीसेट से कैसे पिच बेंड करना है? मेरे पास शायद प्रीसेट नाउ एंड आई डोंट, आई गेस वो सेम ऑप्शन ही होगा उसके लिए. ऑप्शन है पिच बेंड करने का. पिच बेंड करने के लिए यू विल हैव टू कम इनसाइड योर एनवेलप सेटिंग्स इन लाइव एंड गो इन योर मीडी कंट्रोल सेटिंग्स. सो देयर यू विल फाइंड दिस पिच बेंड ऑप्शन. एंड वो ऑपरेटर के अंदर नहीं दे रखा होगा, बट अलग से दे रखा होता है, क्योंकि दिस इज लाइक सम अदर सेटिंग दैट इज गिवन इन द क्लिप इटसेल्फ. तो आप क्लिप के अंदर अलग पिच बेंडिंग कर सकते हैं. मयूर हैज आल्सो जॉइंड, और गाइस मयूर भी नीचे आंसर दे रहे हैं आपको. ही इज सेइंग यू विल बी गेटिंग दोस प्लगइन्स एज वेल एज इन ऑन आवर ऑनलाइन कोर्स. बिल्कुल, जो हम ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं उसके अंदर आपको कुछ लेने की एक्चुअली जरूरत है नहीं है. हम ऑलरेडी आपको डॉ दे रहे हैं, सारे वीएसटीज दे रहे हैं, सिंथेसाइजर्स दे रहे हैं. तो इट इज अ कंप्लीट पैकेज एक्चुअली. डेफिनेटली देखा जाए तो वो $800-900 के प्लगइन्स ही हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं. तो इन अ वे आपको कोर्स फ्री पड़ता है ये. काफी हद तक अभी मेरे को ऐसा कुछ मिल रहा, पहले नहीं मिलता था ऐसा कुछ सब कुछ कि हम PhDs भी दें. Cool. So we'll design some stuff in here. हमने बेस तो अपना डिजाइन कर लिया है. And of course, like the good thing about using instrument rack is कि हम यहाँ पर कोई भी और VST डाल सकते हैं and we can अपने सब बेस के साथ ही एक बेस लीड भी बना सकते हैं if we want to do that. Okay. अरे वाह. तो सब बेस की जो भी टोन रहेगी, we can open the filter, close the filter for something else, but not the sub. But yeah. As usual, we will also go here and cut out the bass because this will be conflicting with our kick, and बहुत जल्दी करेंगे इसको. So since we had to talk about how to mix kick and bass, let's do that. ठीक है, तो kick और bass को mix करने के लिए पहले तो of course हमने जो starting से सुनते हुए आए हैं कि we have to tune them. As you can see, kick हमारा G पे था और हमारा sub भी G पे है. Or within that scale. And one thing that I use to save myself to be able to mix things better is using sidechain. Okay. So kick and snare, kick and sub ko hum sidechain karenge. Kick we will take it as the external signal, which you guys know ki humne alag alag teen channels banaye kick, snare aur hi-hats ke. Aur hum logon ne kick ko choose kara and we have chosen the kick from that. Yeah, so now we'll put the certain threshold. Itna bhi nahi ki bass ke jo power, the you know the impact of the bass is lost. Not do that. We will make a faster attack ki jaise ki kai ekdam se duck in ho raha hai ye beech ka jo is dikh rahi hai hum logo ko wo ekdam sync mein rehna chahiye from our track. So let's put the hi-hats also in. Most of the stuff will be kind of fixed from that. And
जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्शन होता है किक और बेस का, जब भी हम दोनों साथ में प्ले हो रहते हैं, तो वो इससे काफी हद तक सही हो जाएगा. बट यू विल ऑल्सो नोटिस दैट अगर आप बेस को लगाते हो, कभी कभार क्लिकीनेस आती है वो, कि as soon as the kick is coming in, there is a lot of clickiness, which means कि duck in effect, जैसे हम वॉल्यूम को एकदम से कम कर देते हैं, कुछ लोग डीजे बनते हैं उससे, you know, so that kind of, comes with the compressor, क्योंकि compressor भी एक robot ही है, जो volume कम ज़्यादा कर रहा है, जो basically वहाँ बैठ के आवाज़ नीचे कर रहा है कि जब ये आया तो milliseconds के format में, you know, he's a faster robot than us, he's doing that in milliseconds, so that's pretty much the definition of compressor for, you know, in a for people who are new to this. ठीक है, तो हम इसके बाद I usually use a EQ of fab filter, but मैं Ableton Live का VST use करूँगा for defects, and I'll cut down the subs from it. And of course, मेरे को kick तो सुनना पड़ेगा. Anything that you want to mix, you'll have to listen to it. You can't do it without listening. ठीक है, and इस area की frequencies will always kind of like collide with the kick, because why? If you come inside your kick, अगर आप kick के अंदर आते हैं और अपना देखते हैं कि इसका fundamental frequency क्या है? Fundamental frequency का मतलब kick हमारा G पर है, तो G का एक fundamental frequency होगा, ये जो यहाँ पे सबसे top चीज दिख रही है हमें. जी जी. तो we have to find space for this kick inside our sub. So we will go around in the sub and cut down these areas, like these fundamental frequencies, and aap immediately dekhoge ki ekdam se hamari kick ke liye jagah ban jati hai. To wohi hame karna hai. It's not science fiction, it's just to be able to listen ki kahan par problem hai, kahan par main jyada cut kar raha hu, right, kahan par main theek cut kar raha hu, ki it's the perfect situation, right. To hame side chain and iska use karke karna hai. To now we will exaggerate that effect. Cut it down. So right now I'm using these, and you can't mix using these ever. So one thing is also to know the right reference. I'm sure like Chirag, right, that's like right, the right one of the main right, things. Like हम लोग ये सब करने से पहले सत्यम मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जिस speakers में चाहे वो यही हो, जिस स्पीकर में आप ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं उसी के अंदर अगर आप मिक्स करेंगे तो बेटर है. कि अच्छी चीज आपको पता है कि ये मैंने सुनी है उस गाने में कि कैसी थी और अब मेरी ऐसी साउंड कर रही है, तो किसी भी मॉनिटर्स में सुन रहे हैं या गुड पेयर ऑफ हेडफोन्स लाइक ऑडियो टेक्निका के बहुत अच्छे आते हैं, M40 M50 और सनाइजर के भी अच्छे हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड लाइक सी आई मीन आई हैव बीन मिक्सिंग एंड मास्टरिंग ऑन हेडफोन्स व्हेन आई वाज इन बैंगलोर for entire year, और मैंने उससे एल्बम से निकाली है, so it's not like not possible कि आपको monitors ही चाहिए. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भी कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है, तो हम लोगों ने kick और bass को कर दिया है काफी हद तक. And one more thing people don't know is that आपका kick और sub mono रहते हैं काफी हद तक. तो there is a plugin called utility that you can use on the sub. And आप sub पे अगर डालेंगे तो आप अपना बेस मोनो कर सकते हैं. As you can see this option here. Right, right. ये हर डॉ में आ जाता है ज़्यादातर लॉजिक. हाँ, ये हर डॉ में है. अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप मिड साइड ईक्यूइंग का यूज़ कर सकते हैं. अगर इसको पता है मिड साइड ईक्यूइंग से आप साइड से अगर चीजें अपना लोट आ देंगे तो सिर्फ बीच बीच में ही सब रह जाएगा. जी जी. तो वो यही चीज यही ये लोग कर रहे हैं, या फिर आप पूरा पूरा अपना सब मोनो कर दीजिए अगर आपको करना है तो. Usually what I try to do is कि थोड़ा बहुत character add कर देता हूँ मैं सब में और वो sides में रहने देता हूँ. और क्योंकि जितना भी stereo content अगर वो bass होगा तो उसका phase issues आते हैं. Phase issue आएंगे, right, right. और अगर kick भी है हमारी, kick भी एक transient bass element हो गया, अगर वो भी हमारा stereo में आ रहा है, जब मतलब stereo में आ रहा है कि मतलब अलग signal आ रहा है. जिससे मेरे साइड्स में जैसे जो मेलोडी आ रही है वो अफेक्ट नहीं होगी. दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ मिक्सिंग जो आपको मास्टरिंग इंजीनियर से पूछेंगे. एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा कंप्रेसर कब यूज करना चाहिए. अच्छा, कंप्रेसर अलग अलग तरीके के होते हैं. लाइक आई मीन डिपेंड्स कि आप कौन से डॉ में हैं पहली बात,
कंप्रेसर्स, कुछ कंप्रेसर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिएंट हैंडलिंग के लिए होते हैं, मतलब जितना भी फास्ट अटैक स्लो अटैक, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेसर दैट आर देयर। ठीक है, कुछ कंप्रेसर्स को आपको देखें जैसे ग्लू कंप्रेसर, इसमें हम काफी चीजें नहीं ला सकते क्योंकि दे आर लाइक कॉन्फिगर्ड दैट वे, दिस इज सपोज टू बी अ ग्लू कंप्रेसर कि भाई ग्लू करने के लिए काम आएगा। अगर इसको मैं ट्रांजिएंट हैंडलिंग के लिए करना चाहूँ तो ये इतना ढंग से नहीं कर पाएगा कि नहीं आपको कर दिख रहा है कि पाएगा। इसमें वैल्यूज कितनी डिस्टिंक्ट है, इसमें एकदम माइन्यूट वैल्यूज पे नहीं जा पा रहे हैं। तो अलग कंप्रेसर्स का अलग रोल रहता है, ये वाला ग्लू करने के लिए है, थोड़ा कलर ऐड करने के लिए भी होते हैं, कुछ वाले जो महंगे महंगे कंप्रेसर्स आते हैं जो कंपनियां एम्युलेट करके बना रही हैं वो कलर ऐड करने के लिए होते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम अगर ऑप्टो यूज कर रहे हैं तो हम वोकल्स पे यूज कर लेते हैं या बेस पे यूज कर लेते हैं, जैसे CLA-2A हाँ, है, हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा, हमें ट्राई ट्राई करके करके देखना देखना पड़ेगा। पड़ेगा। और बट कोई एक जनरलाइज वो है, अगर आप ड्रम्स कर रहे हैं तो आप FET टाइप्स लाइक CLA-76 वो सब यूज कर लेते हैं कि वो ट्रांजिएंट्स को थोड़ा स्नैपी बाहर ले देखो, आता है। दिस इज समथिंग लाइक कुकिंग, लाइक राइट आई से राइट दैट इन राइट माय क्लास एज वेल, एब्सोल्युटली। बिकॉज आई एम ऑलवेज हंग्री व्हेन आई टीच, एंड आई टेल देम, यू नो, इफ यू आर गोइंग टू मेक फूड, आज मैंने ये मसाला डाला, आज मैंने ये डाला, राइट? तो यू ट्राई दैट, राइट? लाइक राइट कोई भी राइट फ्रेंड, व्हेनेवर माय फ्रेंड कुक्स देयर, लाइक आज ये डाल के देखेंगे, आज इलायची डालते हैं इसमें, राइट? सो दैट्स द सेम थिंग विद मिक्सिंग, इफ यू राइट वांट टू राइट ट्राई डिफरेंट स्टफ, जस्ट एक्सप्लोर देम कि अच्छा इसकी इसकी टोन कैसी है, इसकी टोन कैसी एक्चुअली है। बात यह है कि आपको पसंद आना चाहिए, और बिल्कुल अगर आप उस चीज से सेटिस्फाइड हो तभी आप अपने क्लाइंट को या जिसको जिसके लिए भी म्यूजिक सुना रहे हो या अपने लिए, तो उसको तभी सेटिस्फाई कर सकते हो। हाँ, तो मतलब तो आप ये कह रहे हो कि टू कोई ऐसा समराइज, रूल हाँ नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, जो आपको पसंद लगता है कि ये कुछ यूज नहीं, कर रहा है ये कैटेगरीज इसका। हैं, कैटेगरीज हैं। पहले तो हमें कैटेगरीज आइडेंटिफाई करनी है कि किस किस चीज के लिए ये वाला कंप्रेसर काम आता है। अगर आप यू नो बाय डिफॉल्ट ये जो दे रखे हैं कंप्रेसर्स की बात कर रहे हैं तो उनके अलग रोल होंगे। जो बाहर से कंप्रेसर्स लेते हैं हम, लाइक फॉर एग्जांपल फैब फिल्टर को ले रहा है कोई, किसी और चीज को ले रहा है, उन लोगों के कंप्रेसर्स हर एक चीज के लिए भी काम आ सकते हैं। कोई कोई ट्रांजिएंट वाला कंप्रेसर आप ग्लू कंप्रेसर की तरह वी भी यूज कर एक्चुअली सकते हैव आर ओन कंप्रेसर दैट इज कॉल्ड बाउंस, और वो बहुत प्यारा है बीट स्किल्स का। अगर आपने ट्राई करा हैं। हो, हाँ मैं तो उसको यार ऑलमोस्ट हर चीज पे यूज करता हूँ। मतलब वो जिस हिसाब से ट्रांजिएंट को शेप करता है मुझे बड़ा सही लगता है। हाँ मेरे पास अभी फिलहाल तो ये वाले पड़े हैं, आई थिंक आई हैव ओके नॉट ओके, इंस्टॉल्ड इट येट, बट आई टेल या कार्तिक टू सेंड यू ऑल ऑफ देम। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो हाँ या टू समराइज द क्वेश्चन, यू नो, यू हाँ विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो डिफरेंट कंप्रेसर्स की क्या काम करते हैं वो, उसके बाद आप जब उनको राइट जाके यूज करें फॉर देयर पर्टिकुलर पर्पस, राइट एंड देन यू सी कि विच वन एक्चुअली आपके पर्पस को उसने सॉल्व करा। जैसे हमने आपको बताया कि हम तभी यूज कर रहे हैं कंप्रेसर जब हमें जरूरत है, और किस चीज की जरूरत है तभी आप उस चीज को यूज करें। ऐसे नहीं कि किसी ने कंप्रेसर और EQ करने के लिए बोला तो हम डाल रहे हैं। यू नो, अ राइट लॉट ऑफ पीपल राइट आस्क मी दैट सर, कंप्रेसर और EQ तो करा ही नहीं आपने। मैंने कहा मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्यों करूंगा, हाँ 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 बिल्कुल 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 राइट? कंप्रेसर का मतलब समझना जरूरी है कि वी आर डिक्रीजिंग द डायनेमिक्स एंड ऑल। सो वी आर गोइंग टू डिजाइन लाइक अनदर लाइक आरपीजीटर काइंड ऑफ साउंड, बिकॉज आरपीजीटर इज वन साउंड व्हिच लाइक फिट्स जस्ट परफेक्ट। तो साइड बाय साइड वी कैन शो यू स्टफ एज वेल, हाउ टू बेसिकली यूज प्रीसेट्स एंड व्हाट नॉट। तो बट प्रीसेट से याद आता है कि इट गेट्स लिटिल हार्ड टू मैनेज प्रीसेट्स अगर आप किसी और के साउंड्स अगर यूज करते हैं तो। अगर आप अपनी साउंड बना रहे हैं ऑन द अदर हैंड इट विल बी लाइक ईजियर फॉर यू टू मैनिपुलेट इट। सो वाई डोंट आई जस्ट लाइक क्विकली डिजाइन आवर ओन साउंड। तो उसका अंदर करते ओके, आई विल टेक सम क्वेश्चंस या गो अहेड। ना तब तक। आप ऑल्सो आई हैव रिमूव्ड ऑल द लो एंड व्हिच वाज बिलो 20 हर्ट्ज टू मेक हेड रूम, बट इवन दैट डिडंट हेल्प इंप्रूव द 20 क्वालिटी। हर्ट्स वोंट हेल्प, यू विल हैव टू कट समथिंग अराउंड 40 थर्टी डिपेंडिंग अपॉन योर, थर्टी 35 आई या गेस 36 इट इज अ आई गुड कीप इट लाइक द, स्टार्टअप पॉइंट। या 36 में स्टार्टअप हाँ पॉइंट, हाँ 20 तो या सुनाई मतलब सुनाई नहीं देता हाँ जिससे नीचे तो। सो शो सम लाइट ऑन अटैक एंड रिलीज ऑफ कंप्रेसर, मतलब पता है सर, बट
कितना यूज करने में समझ नहीं आता. हिमांशु विल डू अ सेपरेट सेशन ऑन एक्चुअली ऑन ईक्यू एंड कंप्रेशन. आई गेस उसके बारे में काफी कुछ बोलना पड़ता है, बट मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ. अटैक का मतलब है कि कितनी जल्दी आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा काम करना, और रिलीज का मतलब है कितनी जल्दी वो उसको छोड़ेगा. तो सर, क्रैक और ओरिजिनल प्लगइन से मिक्सिंग करने में डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है भाई. क्रैक वाला जब आप करते हो तो जिसने प्लगइन बनाया वो आपको गालियां देता है, जब आप ओरिजिनल बनाते हो तो उसको आपको गालियां नहीं देता, आपको ब्लेसिंग्स देता है. कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही रिप्लाई मिल रहा है. सेटिंग है क्या? नहीं, एक्चुअली बात क्या है, इट इज टू कंप्यूटर्स आई एम मैनेजिंग एंड टू पीपल, तो इट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी. आर देयर एनी ईक्यू कंप्रेसर plugins available in built-in light? Yes, Loop Music, kindly go check on their website. Sir, Omnisphere sample pack Logix Pro के लिए भी है. Omnisphere is a different DSC. वो आप उसके sample packs उसी के अंदर use कर सकते हो. वो चाहे आप FL में चलाओ, Logix में चलाओ, Cubase में चलाओ, Studio One में चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. What's your opinion on new fab filter set? Tycho, मैंने अभी use नहीं किया है और मुझे use करना है. I like the Saturn दोबारा लिख सकते हो. नथिंग स्पेसिफिक, वी वर टॉकिंग अबाउट सब बेस, तो हमने वो किया. अभी सत्यम ने इस सेशन के स्टार्टिंग में दी है कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो. आप प्लीज सेशन, अगर ये पोस्ट दिस सेशन, आप दोबारा देख सकते हो. डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड मल्टी बैंड कंप्रेसर, इसका भी आंसर दिया है बिल्कुल, ये क्यों. और सत्यम ने, आप ये सेशन जैसे एंड होगा उसके बाद आप दोबारा प्लीज देखें. एनी मोर क्वेश्चंस, एनी न्यू क्वेश्चन सर? सर आंसर सुनाई नहीं दिया. स्नाइपर पाब्लो, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सब बेस और स्नेयर से पहले क्यों कट किया, रीजन है बता दो. ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है सब बेस का, बस हमने लो एंड कट किया और उसको किक के साथ साइड चेन किया. पैरेलल कंप्रेशन, ओके सत्यम, आर यू डन विद द पैरेलल कंप्रेशन? हां या, आई मीन वी आर रेडी टू गो. या, आई मीन आई वाज ओके, आई स्टॉप्ड बिकॉज़ लाइक पीपल आर नॉट एबल टू हियर यू. ओके ओके, या नहीं, अच्छा. And at the same time, we'll design like the, sorry? Okay, okay. Nahin, toh aap kijiye, aap kijiye. I'll answer the last question and then we'll move forward to your session. Yeah, I mean, we can answer the last question. Parallel, haan, parallel compression aisa hai ki ek mera ye track hai, yahan pe compression chal rahi hai. Ya mera ye track hai, ye kick hai, maine isko ek alag track mein bhej diya iske andar. Ab iske upar compression kar raha hoon aur in dono ki sound ko main ek stereo track mein bhej raha hoon. Bahut easy shabdon mein aapka answer. Okay, Satyam, please. Yeah. I think we'll carry on with it. Yeah, I mean, we are like running out of time. So, I mean, yes. what I wanted to do here is like, I want to create an arpeggiator sound. And since I have to play like in G minor, I was just like figuring out different chords and all. Huh. And this like will allow us to make chord progression later on for our pads and all. Yeh, hum abhi se figure out karne shuru karne ki. Will not add much of it. अब हम इसके बाद एक एक vocal chops बनाएंगे and we will like, yeah, we will just arrange with that. Okay. That's it. One loop and we're good to go. We can like manipulate this however you want. कुछ भी बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सारे स्टॉक प्लगइन से बना रहे हैं. बिल्कुल, जस्ट आपके कान एंड आपका नॉलेज, आपने म्यूजिक सुना है, नॉलेज तो आएगा ही कर कर. मतलब हाउ डू यू मैनिपुलेट विद द साउंड्स? लोग बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, वो होगा तब ऐसा करेंगे, जबकि उल्टा है. आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, आपको है. सीखना है कि कैसे यूज करना है. देर आर बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं दुनिया में, और बहुत
लोगों को मन भी करता है चीजें खरीदने का, हम लोगों को बहुत मन करता है चीजें खरीदते रहने का, बिल्कुल बिल्कुल लाइक इट्स लाइक अ थिंग, बट जो आपको ढंग से यूज करने आता है वो ही यूज में आएगा राइट और वो ही अच्छा साउंड करेगा. क्यों? क्योंकि आपको वो आता है. ओके अगर आपको अटैक और रिलीज एक कंप्रेसर का यूज करना आता है तो वही यूज करिए, और नया कुछ यूज करने करना शुरू कर रहे हैं तो उसको भी ढंग से यूज करना सीखना पड़ेगा. राइट राइट ऐसा नहीं है कि एक दिन मेरे पास सीरम आ गया तो मैंने यू नो लाइक लाइफ ही चेंज कर दी दुनिया की, तो ऐसा नहीं है. आई मीन ऑफ कोर्स सीरम एंड एनी अदर वीएसटी और लाइक यू नो आवर विल चेंज योर वर्क फ्लो, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई विल चेंज द सोनिक, या द सोनिक, हां सोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर साउंड. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट स्पेसिफिक सोनिक, देन यू कैन गो फॉर कि हां यार मेरे को म्यूजिक बनाना ऑपरेटर से आता है, आई वांट टू ट्राई दिस न्यू सिंथ विद माय ऑपरेटर. राइट 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 देन यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग. बट लाइक सेइंग, ऐसा बोलना कि यू नो कि मेरे को बनेगा ही नहीं म्यूजिक जब वो, हाँ, जब तक वो नहीं होगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और खासकर ये पंजाब और इस एरिया में, तो पंजाब मेरे को पता नहीं, हरियाणा और पंजाब में तो बहुत है कि जब तक बड़ा स्टूडियो नहीं होगा, बड़ा मिक्सर नहीं होगा, बड़े मॉनिटर्स नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, विच इज एक्चुअली रॉन्ग. हाँ, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ लैपटॉप और हेडफोन्स के थ्रू ग्रैमी भी लेकर आए हैं. Definitely, like आजकल यही हो रहा है. Like there's a in Billie Eilish का जो producer है वो जो जीता है, he has like made everything, like mixed everything inside his place, you know, like inside the studio. So that's like ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि ऐसा कुछ होता है. तो now right, right. let's come back to the topic. हम लोग आज vocal chops बनाने वाले हैं. तो vocal chops बनाने का एक तरीका जो मैं बताने वाला हूँ आज, वो is using simpler and using a slice mode, which is okay. Anyone who knows live they for sure know, might be knowing that. And जरूरी नहीं कि वोकल चॉप्स के लिए भी है, इसमें आप कोई भी सैंपल डालो, न्यू का सितार, हार्प, फ्लूट, लूट, जो भी, इवन ड्रम्स इनसाइड इट, एंड यू कैन मैनिपुलेट चॉप्ड अप स्टफ, एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर दैट, बिकॉज़ इसमें वार्पिंग और काफी सारी चीजें होती है. ठीक है, वी हैव टू चूज समथिंग व्हिच इज इन जी माइनर. तो देखते हैं अगर हमारे पास जी में कोई सैंपल है क्या हमारे पास वोक्स का. जी एम, इफ नॉट, या वी हैव समथिंग. Yeah, so this girl is singing some stuff. हम इसको drag कर player में direct लेते हैं कि when we play one note, it just doesn't play it once. It plays it multiple times, so we can use like a arpeggiator with this. And arpeggiator क्या काम करेगा? इसको loop करता रहेगा एक particular time पे. Right, so that's one way to make things repeated. Right. अब हमने एक फंक्शन आता है मीडी इफेक्ट में ही रैंडम का, उसको अगर हम डालेंगे यहाँ पे तो इट विल गिव अस रैंडम मीडी नोट्स. ओके ओके, तो यहाँ से जो हमारे रिपीटेड नोट जा रहे हैं, यहाँ से हमारे रैंडम नोट जाएंगे, मतलब एक नोट प्ले करने की जगह है, वो अलग नोट प्ले करेगा. ओके तो अगर हम इसके चांसेस बढ़ा देते हैं तो इट विल डू दैट. Always play different notes, so we can right. go for different chances and scale भी बढ़ा सकते हैं, हम एक scale से दूसरे scale में भी जाए. This will give you a lot of different. अगर इसका हम थोड़ा rate कम कर दे तो this will give you a lot of possibilities. सोच नहीं पाते कि हम क्या क्या बनाएं, आप करना चाहते क्या नहीं करना चाहते. सो दिस इज लाइक द वे ऑफ फिगरिंग आउट समथिंग. सो एंड इफ यू आर इन द सेम सर्कल, सो यू कैन सी कि मेरे जो ये आर्पेजिएटर जो मैंने बनाया था यहाँ पे, वो मैंने इसको एक पर्टिकुलर स्विंग में रखा था, दैट्स व्हाई इट्स साउंडिंग लाइक अ भांगड़ा काइंड ऑफ सैंपल. यू नो भांगड़ा इज लाइक अ 16th स्विंग. हां 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 राइट. सो दिस आर्पेजिएटर, दिस साउंड्स लाइक अ भांगड़ा. मतलब छोड़ देंगे.
the time I'm playing different notes, it's chopping it up. Usually क्या होता है normal mode में कि ये play करना बंद कर देगा. Okay. Right? As soon as I let it go off. Right. Right. True mode, it will let it be played, so it will sound more natural. Natural. बिल्कुल. Yeah. So बिल्कुल. See. उसके बाद आप उसको audio में काट सकते हो या जैसे. जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को प्रोग्राम करना है बैठ के. यू कैन जस्ट एक्सपेरिमेंट थिंग्स. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले वाले मोड में देखते हैं, उस मोड से और दूसरे मोड से दोनों से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. दीज आर आवर वोकल चॉप्स, वी विल कॉल इट वॉक्स चॉप्स. एंड यहाँ पर आके वी विल send this track to here and call it workshops audio and यहाँ पर record करेंगे. इसको भी हमें recordable करना पड़ेगा कि हम इसको भेज रहे हैं signal. Let's start experimenting here and we'll keep changing stuff here. Experimented like quite enough. Now you can see we have that audio waveform. और हमारे पास जितना भी हमने recording करी है, सारी यहाँ पर available है जो हमने loop के अंदर करते जा रहे हैं. So if we record for like 2 hours or whatever, we can still find that 2 hour recording. Right, and right, right. You can always come back to it and change stuff. One thing that I want to tell you guys here is that you can always change the transpose. That kind of vocals. Where it's more low end kind of thing, and warping is one of the things that allows us to have a more natural sounding pitch down or up voices. So artifacts ke bina, right? So there are different algorithms. Like one of them is Complex Pro, which allows you to play higher and lower pitch without changing the timing of the waveform. So as I told you earlier, as soon as I pitch in the hi-hat up, uska waveform chhota ho jata hai. Koi bhi low बेस की साउंड होगी उसका वेवफॉर्म बड़ा होगा, कोई भी छोटी साउंड होगी हायर साउंड उसका वेवफॉर्म छोटा होगा, मतलब इन लेंथ. राइट. तो कॉम्प्लेक्स प्रो अलाउ करता है कि वो उसकी लेंथ को चेंज ना करे. ओके. तभी चीजें एकदम नेचुरल साउंड करती है अगर मैं उसको लो भी कर दूंगा और हाई भी कर दूंगा. व्हाट इज दिस, व्हाट्स हैपनिंग? सो वी आर गोइंग टू गो इन कॉम्प्लेक्स प्रो एंड वी आर गोइंग टू चेंज द फॉर्मेट सेटिंग. सो फॉर्मेट सेटिंग विल अलाउ अस टू चेंज द टेक्सचर ऑफ. Sounds more natural, you can see that, except for like using without warping. Right, right. It sounds like it brings that like texture back in, and you can dial in the texture as well. Something like that. So it's got too complex, but yeah, we'll let it be. So this is the basic ki aap kaise approach kar sakte ho vocal chop banana. Of course, uske baad uski processing aa jati hai ki hum usko saturate kare, us pe thoda reverb laga de, thoda matlab abhi to maine ye sirf maine abhi sound design kiya hai ek mahine mein. Now I can come inside this and find these different chops that I've done. Right. Which is a altogether creative process. Yeah, exactly. कि आप अपने हिसाब से इसके बाद चूज करो और उसके बाद उसके अंदर रिवर्ब ये सब डाल के वो एक इफेक्ट. राइट. फॉर एग्जांपल आई कुड रिवर्स दिस स्टफ और आई कुड कीप इट लाइक दिस. राइट. राइट देयर, यू नो, समथिंग लाइक दैट. What are the effects to apply on vocal chops? Because my vocal chops sound very loose after making melody. Not powerful or timing loose or what? Haan, Himanshu, can you please tell your question? So, I mean, you can see like humne yahan se processing kari hai abhi, aur is processing ke baad humne yahan pe koi bhi cheeze add nahi kari hai, compression, saturation, kuch bhi nahi. हम इसको वोकल चॉप्स में भी ऐड कर सकते हैं. सो यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन ट्राई
यूजिंग अ सैचुरेटर, जिससे आप अपने वोकल को ज्यादा सैचुरेट करके थोड़ा और कलर ऐड कर सकते हैं उसमें. सैचुरेट एक मेरे को अच्छी चीज जिससे लगती है, क्योंकि हम डायनेमिक्स के साथ नहीं खेल रहे हैं. काफी लोग डायरेक्टली कंप्रेसर पे पहुंच जाते हैं. Right. Compress vocals and reduce the dynamics. Right. I reduce the dynamics when you can saturate it. At least bring the right amount of color. जितना हम डाल सकते हैं, जितनी अगर वो processed vocal हुए, जैसे for example ये बंदी के vocal काफी processed हैं. अगर वो कोई बेकार sample हुआ, vengeance sample, sometimes have like really compressed samples and all, right? So right. तो compressed sample को process करना is really tough. तो वो भी देखना पड़ेगा कि you have something dynamic there already going on. So yeah, for something like this, हम इसको loop करके चलते हैं. And I'll show you कि how we can do a basic processing. Yeah, I mean for the vocals still. Saturated it. Saturation की drive बढ़ाने से इसका output थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका output naturally बढ़ा देता है वो. Basic stuff, EQ is really important. According to the female, we're cutting it till here and whatever. So, yeah, one more thing you can do is like, even go crazy. You can apply effects on the vocal processed chops as well, you know, like for example. You know, something like that. You can add like more vocal chops or more filtering stuff. So, chain is endless, but main stuff is to just process things better. Right. And a little bit of compression is also needed. This will make your vocals more clear, and the jo jitne sibilances hai high end thoda bahar nikal ke aayega. So a mix of saturator, compressor and a EQ will give you that vocal processing. This ka bhi question tha. Yeah, इस तरह से ही मेरा मतलब वर्क प्रोसेस ये रहता है, चाहे वो बेसलाइन के लिए हो या फिर वोक स्टॉप्स के लिए. आई ट्राई टू पिक अप स्टफ फ्रॉम हियर एंड यू नो जस्ट लाइक प्लेस इट. एज आई कैन सी ऑप्शन ड्रैग करके मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ किसी भी क्लिप को. ओके, तो आई एम जस्ट पिकिंग अप स्टफ फ्रॉम हियर एंड आई कैन जस्ट लाइक मेक डिफरेंट थिंग्स हैपन. अभी तो मैंने सुना भी नहीं क्या क्या है, बट आई जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग. नॉट इफ आई डोंट लाइक दिस, आई कैन कम इनसाइड इट इन हियर. Because I like the timing of this area, I can select the start loop from area and I can change this area like to something else. Maybe we like this, maybe we don't like this, we can stretch it. And like you can use the complex mode, so there are a lot of possibilities. Or like make something like beats mode warping effect. So yeah, it's a yeah, so that's like pretty much the way to do it. Yeah, right. और इसके बाद आप इसके अंदर कुछ रिवर्ब डाल सकते हैं या हल्का सा डिले डाल definitely सकते हैं, जो उसको एक हाँ मतलब इससे यहाँ पर अगर हम रिवर्ब्स का भी ऑटोमेट कर सकते हैं, तो रिवर्ब को हम ऑटोमेट ऐसे कर सकते हैं. For example, we have these kind of vocal, we call this reverb and delay throws. Okay. So, I like to do this with this kind of thing as well. And that's like a glitchy effect because I make glitch effect as well. So okay. These are like plucky kind of things that are coming in between. For example, ye wave table se jo hum ye bana rahe hain. Ab isme yahan pe beech mein bhi we can do, throw some relay, reverb throws like on this part. You know, something like throws like in between, and usi jagah pe hum delay bhi throw kar denge. To yeah, this delay is not on the right timing. Agar hum throw acche time pe kar dete to yeah, so it will act, it will be something that will be coming in between or fir chala jayega. Right. Absolutely. Not noticeable, but you understand what I'm trying to say. Ji. Any other questions any of these guys are asking? Haan, please, niche pata nahi buffering ka kyun log logo dal rahe hain, mujhe samajh nahi aaya. FL Studio में tutorials video बनाएं जरूर. We'll try that. We don't teach FL Studio in Beat Factory, but we'll try doing that.
Sounds really good. Mayur Jumani is complimenting you, Satyam. Oh, That's something. yes, Mayur. Not powerful, sir. It sound very dull or melodically, but effectively. Okay, Himanshu का एक question था. Himanshu, अगर वो melodically आपको dull sound कर रहा है, तो आपको harmony सीखनी पड़ेगी सबसे पहले. आपको melodically सुनना क्या पड़ेगा. बेकार sound कर रहा है? Vocal chops, जो वो पहले question आया था. How to make beats sound fuller? Satyam. Fuller. Okay, terminologies again. You have to. That's the problem with audio industry. A lot of people don't know how to communicate. Right. A lot of clients only don't know how to communicate. अरे पंजाब में तो और भी है पाजी वो डिस्टिक होना चाहिए पाजी मुंह पे बजनी चाहिए पाजी स्नेयर यहाँ ऐसे थप्पड़ पड़ रहा है पाजी ऐसे स्नेयर ठीक है so वही कोई problem है that how do you communicate so right what right. is a fuller sound for you might be a fuller That's not might even a term I use, but yeah. For us, or might yeah. be something different for me. Right? Definitely. So, I mean, you have to be specific. Ki, bhai, punch usme sahi hai ki nahi hai. Or the high end, or the low end. You have to speak some language jo isko samajh aaye. Jaise hum Hindi bol rahe, tumhe pata hai kaun si cheez bolni hai. To bass aur kick ke baare mein samjhao sahi se. Somebody answered, use 15 super saws. Theek hai. Theek hai. ब्रो मेरे जहन में एक बार मेरा वर्क चेक करके रिव्यू दे सकते हो मृणुल वर्सिस्ता ओके सो आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग योर नेम आप यू कैन आप मेरे को ईमेल कर दीजिए अपना काम आई लिसन टू इट आल्सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस वी आर बोथ ऑन इंस्टाग्राम मयूर सत्यम कैन यू प्लीज टेल योर इंस्टाग्राम आईडी टू या सत्यम अंडरस्कोर म्यूजिक इट्स प्रीटी सिंपल ओके एंड आई एम जेसीडी प्रोडक्शन दैट इज जेसीडी प्रोडक्शन One so, more thing that I can like tell these guys for vocal vocal stuff is that there's this effect called OTT that a lot of people use on bass music. So we'll not use third party plugins in these session. If OTT we... is no, I mean I'm saying OTT is one of the effect of multiband. It's a preset. Okay. Yeah, it's a Ableton Live thing again. कुछ भी बाहर से यूज़ नहीं कर रहे हम. अच्छा. तो OTT एक preset है. मैं multiband वैसे use नहीं करता हूँ. Okay. Because I mean, the things you can do with dynamic band is pretty much fine because multiband is a savior. कि हमारा high end में कुछ problem है, तो we have to cut it out. There is a question, sir. I want to join from Australia from beginning. Does your online course include everything or just basics? Jesse, आप हमारे online course के बारे में किसी को कोई भी information चाहिए, you can directly call us on our numbers. Also, you can visit our website that is www.beatfactoryonline.com. I'll repeat it for you www.beatfactoryonline.com यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितनी क्लासेस हैं किस क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा कौन आपके टीचर्स हैं सारा कुछ Also, I'll leave a comment जिसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सत्यम प्लीज कैरी ऑन ब्रदर yeah, so I mean हमारा कोर्स बीट फैक्ट्री का बेसिक्स तो करता है स्टार्टिंग के लिए बिकॉज इट्स डिजाइन फॉर बिगिनर्स एंड सेमी प्रोज बट We are also designing courses which are in sync with what we are done after this. So for anyone who is like looking on to advanced stuff, they should be waiting for us again. Anyways, so I mean, one of the things I wanted to tell you is like multiband ka ye plugin hai, OTT, it's a effect in itself. Rather than talking about ki multiband EQ use kar raha hu, main kyun kar raha hu bhai, aisa kuch nahi. Just I'm directly placing it here and I'm increasing the dry and wet amount of it. As you can see, mere isko dalte hi, how the vocals are sounding. Sound like processed, right? Upfront to the face, actually. The high end and the mid end kind of like really is coming out. Right, right. So that's like a Skrillex kind of effect, kind of like this, you know, they're making that kind of shine on the vocals front. I mean, dubstep effect, not too much. Of course, हमने यहाँ पर इसकी leveling नहीं करी, so we can increase the levels. But yeah, I wanted to show कि multiband dynamics कि OTT के इससे काफी सारी चीजें निकल के आ जाती हैं बाहर ओके या मीन इवन फॉर बेस लाइंस एंड इवन इनटू बेस म्यूजिक दे शुड ट्राई OTT और एक और इफेक्ट यू कैन ट्राई व्हिच आई एम थिंकिंग इन माय हेड इज रिडक्स व्हिच विल अलाउ यू टू दैट काइंड ऑफ रोबोटिक इफेक्ट रोबोटिक वॉइस दिस विल इफ यू जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ द डाउन सैंपल दिस इज काइंड ऑफ लाइक एडिंग अ डिस्टॉर्शन टू योर वोकल You can see that robotic. Yeah.
Yeah, so that's something that you can try, adding a bit of Redux. Right. Also, हमारा और क्या बचा है सेशन के लिए? Like we had to design this track, but it's pretty actually, much. Actually, I guess ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. ज़्यादा लंबा हो गया. दो घंटे के ऊपर हो गया मेरी ख्याल से. क्या बात कर रहे हो? हाँ, we. Cool. Let's take this last questions. Like okay. Anyone has few last questions related to anything, you know? हाँ, and we will just close the session then. Right. और अगर किसी को ये सेशन दोबारा देखना है तो आप इसको फिर से YouTube पे देख सकते हैं. एंड we'll be doing this live thing बहुत मतलब फिर से करेंगे हम लोग ये चीज विद मयूर एंड सत्यम एंड मेनी मोर पीपल. सर बताएं कि वो तो पावर कॉर्ड्स होता है, सो पावर कॉर्ड्स की थर्ड पार्टी प्लगइन से क्रिएट होते हैं या लाइव बजाया जाता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. यस, मुझे भी समझ नहीं आया सर. चॉप प्रोसेसिंग सही से क्लियर नहीं हुई हिमांशु. चॉप प्रोसेसिंग बेसिकली सत्यम, वीडियो रिपीट करो. हाँ, वीडियो रिपीट और थोड़ा सा आप एक बारी फिर बता दो कि क्या क्या किया है बेसिकली. okay, yeah, so I'll show you vocal chops is this one. Let's make it pink or something. And these are the vocal chop midis. हमने इसमें क्या करा, इसमें सिर्फ सिंपलर डाला था. अभी हमने एक दो चीजें हटा दी इसमें से, बट हमने सबसे स्टार्टिंग में आर्पेजिएटर डाला. सिंपलर इटसेल्फ, तो हमने सिंपलर के अंदर एक वोकल का चॉप डाला है. एंड वी फाउंड दैट सैंपल इन हेयर. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन हियर माय हियर दिस थिंग, बट ये सैंपल था ओरिजिनल. इट्स वॉर्प्ड नाउ, बट लाइक दिस वाज द मेन सैंपल. राइट, एंड इसको मैंने तो हमने उसको बेसिकली एक सिंपलर जो कि इसका खुद का सैंपलर है उसके अंदर डाला, और उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर आरपीजीएटर लगाया जो उसको रैंडम कर देता है और उस रैंडम नोट्स प्ले करता है. और उसके बाद एक रैंडम करके इसके अंदर क्या कहते हैं इसको, मिडी इफेक्ट होता है. मिडी इफेक्ट है जो कि अलग अलग नोट्स प्ले कर रहा है बेसिकली. इट्स रैंडमाइजिंग नोट्स. ओके, और उसके बाद हमने ईक्यू करा. उसके बाद हमने मतलब हम इसको सिंपल, पहले तो हमें समझना है कि ये स्लाइस मोड में ही काम करेगा इस तरह से, क्योंकि ये ऑडियो को स्लाइस कर देगा अलग अलग पार्ट्स में ट्रांजिएंट के हिसाब से. हाँ, ट्रांजिएंट के हिसाब से. वी कैन डिक्रीज इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ दैट व्हिच वी डिडंट डू अर्लियर. सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी कैन चेंज द सेंसिटिविटी, मतलब वो कम वार्पिंग पार्ट्स बना देगा, फिर बड़े बड़े पार्ट्स होंगे हमारे पास रिपीट करने के लिए. ऑडियो में कन्वर्ट करके बाउंस कर दिया था जैसा कि आप वीडियो में पहले देखोगे. एंड हम उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग कर रहे हैं. हमने इसको बंद कर दिया है अपना मीडी को. उसके बाद एक हल्का सा कंप्रेसर, थोड़ा सा ईक्यू, और उसके बाद आई मीन इट टोटली डिपेंड्स ऑन. नहीं, फिलहाल वो उसका क्वेश्चन ये था कि इसमें एक्चुअली क्या है बेसिकली. इस वाले में ये है, बट जब भी आप बनाना चाहोगे तो ये वाला तो तभी देखना करने को जब जो आपका सूट कर रहा हो. राइट राइट. तो दिस इज नॉट लाइक मेकिंग कढ़ाई पनीर की ये ऐड करा, ये ऐड करा. हाँ, और बन गया actually, और actually. अच्छा टेस्ट आ रहा है. आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगी, ऐसा नहीं होगा. राइट. यू विल हैव टू ट्राई आउट व्हाट इज द सोनी कैरेक्टर की आपने जो वोकल चूज करा जी, उसके बाद आपने प्रोसेस करा उसकी लेवल आपकी क्या, आप यहाँ पर कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं. एज यू गाइस कैन सी, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी लेवल चेंज नहीं करा किसी भी ट्रैक के. फैसिनेटिंग, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल यू विल सी विल चेंज लेवल्स. तो वो सब चीजें देख के चलो. आपको क्यू लेवल्स नीचे करना है, वो भी एक रीजन होगा. राइट. या वन लास्ट थिंग आई कैन टेल यू गाइस इज दैट कि ये जो सब है और यहाँ पे मैंने जीरो कर रखा है इसका लेवल भी, अगर मेरे को सब बैलेंस करना था इससे तो आई कैन डिक्रीज द लेवल ऑन द इनपुट लेवल हेयर. दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू. ओके, यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ना, तो रादर देन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द फेडर हेयर, जस्ट लाइक हम क्लिप के लिए बातें कर रहे थे, VST के लिए भी हम VST से ही वॉल्यूम कम कर दे तो बेटर है, यहाँ से भी कम कर रहे. ट्राई आउट दीस थिंग्स. ओके, वेल थैंक यू सो मच सत्यम फॉर दिस वंडरफुल सेशन. काफी कुछ एक्चुअली मुझे भी सीखने को मिला. एंड विल आई एम श्योर हम ये दोबारा कर पाएंगे और दोबारा करेंगे. बिल्कुल 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 ठीक है फिर. थैंक यू सो मच एंड विल से गुड बाय टू आवर
our So I mean, audience. Shiram, like one last question, Ha. like for you, like can you Please. explain me like how the things are happening post-COVID situation? Like, is anyone like? I mean, I've seen a lot of people being really skeptical about Zoom और जूम जूम प्लेटफॉर्म का पे लेके काफी लोग मतलब सोच रहे हैं कि हैक हो जाएंगे सर्विसेज पहले या नहीं देखो, है. पहली बात तो ये है कि अपने पास तो कुछ है नहीं भाई हैक होने वाला, जिसने करना है राइट कर लो। एनीवेज, अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन था भी, तो गवर्नमेंट ने पहले ये रिलीज किया था कि दिक्कत है, बट जूम में बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं जो कि हमारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं, और वो एग्जैक्टली गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने लेआउट करी है, जो साइबर ब्रांच है उनको फॉलो करते हुए ही जूम चल रहा है। तो किसी के दिमाग में भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि हम जूम नहीं यूज करेंगे, हमारा डेटा कुछ हो जाएगा, दैट इज नो मोर अ थिंग। सो राइट एवरीथिंग एग्जैक्टली इज एग्जैक्टली सॉर्टेड गाइज। सो आई मीन दैट्स व्हाट आई वांटेड टू क्लियर टू एवरीवन हु इज लाइक कनेक्टिंग विद अस कि अगर हम जूम पे क्लास करा रहे हैं सो इट्स फॉर योर ओन गुड एंड द क्वालिटी इज स्पेक्टेकुलर ऑन दिस एंड वी आर पेइंग फॉर दिस सो राइट राइट एंड इट राइट हैज दे हैव इंक्रीज देयर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस एंड स्टफ लाइक दैट राइट राइट सो राइट राइट नो नथिंग टू वरी अबाउट एंड डोंट लिसन टू द रिमर्स राइट 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 ऑलवेज एब्सोल्युटली। ठीक है चिरप थैंक यू सो ऑल मच राइट ऑल राइट ऑल राइट यस सत्यम, टेक केयर ब्रदर, Thanks, टेक केयर। guys. Bye-bye. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस।